down. Roll camera. 35 by 1, take one. क्या रे, चारों मिलके क्या खजाना लाया क्या? दिखता नहीं है क्या? अलमारी है, कल तुम्हारे साहब ने ऑर्डर दिया था, वही देने आए। लेकिन अपना साहब तो आज ही छुट्टी पे गए ले। चल अभी लाया तो अंदर लेके आ। चले आजा। चल चल इधर रख दे। दुश्मन मिला तो मेरे यारा। जी हाँ, ये हैं तारा और सितारा। बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, यह समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। पर उन्हें क्या मालूम था कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर हैं, ठग हैं, जो सिर्फ समाज के ही नहीं देश और इंसानियत के दुश्मन भी हैं। बस एक ऐसा ही हादसा तारा और सितारा की जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा और सबक बन गया जब वो मिले खतरनाक मुजरिम कोबरा और पैंथर से। गन्स को बेस तक लेके जाने के लिए हमारे जवान्स रेडी है। जल्दी से गन को लोड करो, हमें निकलना है। बट सर, मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ आपकी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। प्लान्स हैव चेंज्ड, सिक्योरिटी रीजंस। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर वेणुगोपाल। कैप्टन महेश। नाइस मीटिंग यू कैप्टन। सर, आप जानते हैं कि आपके अलावा किसी और को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वर हैं। गन्स को यहां से बेस तक ले जाने की और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इनके हाथों में। एक्सक्यूज बट सर, ऑर्डर्स ऑर्डर्स सर। मेजर, कैप्टन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। आप लोग चलिए, मैं यहां पर तो वेट कर सकता हूं। थैंक यू सर। राइट, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी। क्या बात है? डॉक्टर सुब्रमण्यम का कैबिन ये है सर। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम से अकेले मिलना चाहूंगा, तुम बाहर इंतजार करोगे, ओके?
गुड मॉर्निंग राम सिंह सर कम बिफोर टाइम यस सिक्योरिटी रीजंस यस इस गन की प्रॉपर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है बरसों मेहनत करके हमने ये गन बनाई है आइए मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं इसमें इनबिल्ट सेंसर है जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी मूवमेंट को कैश कर लेता है अब हमारे जवानों को घुसपैठियों से निपटने के लिए बहुत फायदा होगा यह गन किसी गलत हाथों में पड़ जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए हर एक गन को अलग अलग कोड नंबर दिया गया है बिना कोड नंबर डाले ये गन काम नहीं करती इस गन को ऑपरेट करने का कोड क्या है MA2385371 थैंक यू कैन यू टेक द गन नाउ श्योर श्योर पहले इस पेपर पर साइन तो कर लो राम सिंह तुमने अपने साइन तो कर लिए लेकिन इस ऑपरेशन का पासवर्ड नहीं डाला पासवर्ड तुम अच्छी तरीके से जानते हो राम सिंह कि बिना पासवर्ड के तुम ये गन नहीं ले जा सकते ये गन तो मैं लेकर ही जाऊंगा सर आप यहाँ और नहीं तो कहाँ बेस यही है ना थोड़ी देर पहले तो आप अंदर थे और आने जाने का रास्ता भी यही है मैं अभी अभी तुम्हारे सामने आया हूँ सर तब भी आप मेरे सामने ही आए थे और आपके साथ में कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी था भाई तो गन लेकर चला गया अब तो चाहे जो मर्जी कर ले सिर्फ गन ही लेकर निकला है ना कोड लेकर तो नहीं निकला और बिना कोड के वो गन किसी काम की नहीं और वैसे भी गन तो मिल ही जाएगी तू है ना अब तू कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं पैंथर
नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, आओ आओ बहादुर सिंह, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भूल से नहीं सेठ जी, जानबूझ कर आया हूँ। सेठ जी, मैं आपको सचेत करने आया हूँ। सेठ जी, सचेत करने आया हूँ। आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। आतंक? चोरी के ऐसे नए नए चक्कर चलाते हैं कि पुलिस भी चक्कर घिनी बन जाती है। क्या बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले एक अलमारी में घुस के पूरे घर को लूट लिया। पूरे घर को? कभी कभी किरायेदार बनकर जाते हैं और फिर मालिक बनकर मकान को बेच डालते हैं। मकान को बेच डालते हैं। और सुनिए, कभी कभी नौकर बनकर जाते हैं। सेठ जी, दूध ते लस्सी। ये दोनों आप क्या? अरे भाई, इन दोनों ने एक महीने से मेरी जो सेवा की है, मेरी औलाद ने आज तक नहीं की। अरे सेठ जी, ये अभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बाद में मेवा खा के उड़ जाएंगे। क्या मतलब? अरे सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यही तो है वो दोनों जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अच्छा, एक है तारा और दूसरा है सितारा। मुझे मालूम है। भाई बाप, मैं क्या, आपने तो हमारी सारी किए कराए मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। मुजरिम जितना भी सुधरना चाहे, लेकिन आप जैसे लोग उसे सुधरने नहीं देंगे। नहीं, मैं क्या भूल गए? अरे नहीं, आंख में लग जाएगा। भूल गए? जेल में हमने आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, कोई भी आंटी प्लांटी शांटी चांटी टाइप का काम नहीं करेंगे। वैसे ही करने जा रहे थे, लेकिन आपने सेठ जी को बता दिया, हमारे पेट पे लात मार दी। तू कितने जा रहे यार? मैं टर्न कितना सी ना, तो पीछे लात लग गई। ओ आईसी, और कमर थे। आईसी। मैं क्या सेठ जी, आज मैं आपकी शान में ना कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ। करो जी। अगर ये कानून के नुमाइंदे इसी तरह अपना पुराना राग अलापते रहेंगे, ते हम जैसे गरीब लोग तो बार बार जेल का रास्ता नापते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को चोर नहीं बनने दूंगा सेठ जी। तुम दोनों यही मेरे पास रहोगे। सेठ जी, जी मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप जरा इनसे अलर्ट रहिएगा। नाटक अलर्ट रहिएगा। आग लगा गया? नहीं नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। अब तो तुम दोनों सुधर गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब चोर थे, हाँ जी, हाँ जी, तो किस तरह से चोरी करते थे? हाँ जी। एक आध वाक्य मेरे को सुनाओ। हाँ जी। तो मैं चोरों हाँ से अलर्ट रहूँ ना। हम जैसे पाजी, पहले ना हम एक मोहल्ला ढूंढते हैं। फिर उसके बाद पाजी उस मोहल्ले की सबसे इनोसेंट फैमिली होती है ना, जिनके पास पैसे भी हो, वहाँ घुस जाते। उसके बाद हम नौकर बनके उसकी खूब सेवा करते हैं। जिस तरह से मेरी सेवा करते हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और पाजी, उसके बाद जब टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए ना उनको, तो उनके दूध चाय लस्सी के अंदर ना थोड़ी नींद वींद की गोली मिला के ना, बस काम हो जाता उतने में। कैसे कैसे बेवकूफ लोग है कि लस्सी में नींद की गोली मिली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनको पता नहीं चलता है कि उनके इनको पता चला बेवकूफ। सब ले गए, बर्बाद कर गए। और इन्हें देखिए, चोरों को सुधारने चले थे और चोरों ने इन्हें खुद सुला दिया। मैंने कहा था मैंने कि सतर्क रहना। अब सोते रहो, सोते रहो। तारा सितारा, तुम्हारी तो उधर पाजी की पिक्चर देखते हैं। मैं जटी अमला। तारा सितारा, अब खेल खत्म तुम्हारा। भागने की कोशिश मत करना, वरना बजा दूंगा बारह। ओए पाजी, ये तो शायरी में बोल रहा है, लगता है इसको मरना है। हाँ। ओए बहादुर सिंह जी, गल दसो, जद वेखो तब नहा दो के हम दो मासूमों के पीछे क्यों पड़ जाते हो, जस्ट बिकॉज वी आर फेमस। अरे तुम्हारे चक्कर में एक हफ्ते से ना मुंह धोया है ना हाथ, लेकिन अब तुम्हें धोऊंगा, पटक पटक के धोऊंगा। मैं वहां पर पहुंचते बाकी सारी बातें कर लूंगा। डॉक्टर साहब, ज्यादा मखौल ना करो, खामखा एक इनोसेंट आदमी मर जाएगा। इधर ये सुन, ये कोबरा है ना? यस सर। अबे सालों, तुम्हें पता है कि तुमने किसके सर को हाथ लगाया है? ओए चुप कर, ज्यादा बोलेगा ना तो आंखों की गोटी निकाल के खेलूंगा। ऐसे बोला जैसे लाखों रुपए का इनाम है तुझ पे। सही फरमा रहा है। चुप यार, तू जानता नहीं है चोर पुलिस के बेचे की डील हो रही हैगी।
वेरी गुड वेरी गुड, मार डालो इसे मार डालो। ये कोबरा है कोबरा, मशहूर बदमाश, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम है। ओए मरवा तो नहीं यार। ओए यार तुमको कुछ बोर्ड शोर्ड लगा के घूमना चाहिए कि तुम कोबरा हो, हमको कैसे पता लगेगा कि तुम कोबरा हो। पाजी इनके ऊपर 1,00,000 रुपए इनाम है, उसमें कुछ तो मिलेगा। हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अगर 1,00,000 रुपए लेने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ू तब। पांव ठंडे हो गए इसलिए मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ पाजी। यार कोर्ट में हाजिरी तो कोबरा साहब दी है, अजी क्यों जा रहे यार? वड्डे पाजी एक नया स्टाइल निकला है, किले को लकड़ी में ठोक दो तो लकड़ी के साथ लोहा तैर जाता है। अब जैसे के फॉर एग्जांपल ये कोबरा साहब है, ये इंजन है और इनके पीछे हम दो डब्बे लगा दिए जबरदस्ती ताकि ये दौड़े तो हम इनके साथ दौड़े फॉर नो रीजन। यार तेरे हिसाब से कोबरा साहब को कितने साल की लगेगी, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज? पाजी मेरे ख्याल तो इसकी सूरत ते शक्ल ते इसके हाव भाव ते ताव देख के मेरे को लगता है पाजी ये क्या है इसका। और तू ही बता दे भाई तेरे को कितने साल की लगेगी भाई? पाजी पता नहीं क्यों घूर रहा है। घूर रहा है? हाँ घूर रहा है। कोबरा पाजी मैनू भी दिखाई यार। दिखा? ओए यार बहुत घूर रहा है यार। पाजी हैं जी, मेरे को तो लगता है कि इसकी खामोशी के पीछे बहुत ही भयंकर तूफान छुपा हुआ है। कम ऑन जल्दी जल्दी, गाड़ी कभी भी आ सकती है। कम ऑन जल्दी। पापे और पापे नाराज मत हो ना, हंसो ना, हम लोग बच्चे हैं यार। नहीं गुली तुम लोग भी आजाद हो। नहीं। चलो। पाजी बच गए। वो क्या मौसम है? ओ पिया तू अब तो आजा। शुक्र। बहुत हो गया गाना। अब चलो। कोबरा जी गाना तो गाने दो यार। बाद में गा लेना गाना। कोबरा सर, नीचे गाड़ी खड़ी है। वो आपको 4 नंबर हाईवे पे ले जाएगी, वहां से माइक आपको हेलीकॉप्टर। अनजान लोगों के सामने हम लोग नाम नहीं बताते, साला प्लान बता रहा था। कोबरा बाजी इसको क्या हुआ, ये क्यों डिग पाया? इसको मेरी गोली लग गई। कमाल है, गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। हाँ ये कब की बात है? कल तो नहीं मारा था? नहीं आज ही मारा। एक बार और आवाज सुनाओ। एक मिनट हिलना नहीं, गोली मार दूंगा इसको मैं। गन फेंक गोली मार दूंगा इसको मैं। ए फेंक मैं फेंक तेरी की यार। हां तेरे को कभी से पाजी बोल रहे हैं? हां तू 1 नंबर का पाजी निकला। हां लगा के क्या रखा है? नहीं लगा के क्या रखा पाजी, क्या करूं? ओ तेरा पाजी तुझी गल करोगे या पेड़िया भी खोलोगे यार? ओए बेड़िया दा की है, हाथ ये कर लो। तेरा पाजी मैं क्या है? हां जी ए चिल्ला कौन रहा है?
बेड़िया? नहीं बेड़िया नहीं है, पांव चला रहा है पाजी। पैर? What do you mean? I mean पाजी, गोली जो है ना बेड़ियों की जगह पर है ना गलती से पांव पे लग गई। कोबरा जी के पैर दे उत्ते। ओए कोबरा जी, सनु माफ कर दो। क्यों पाजी, कोई हिमाकत नहीं हुई? हिमाकत नहीं हुई यार, 4 इंच उत्ते लगती पैर। उत्ते तो कोई बचा ही नहीं आज तक। नहीं, मैं बेड़िया खोलना यार। ओए पाजी, ओ तू उससे अपने प्राण पे गोली चला रहे हो? ओए तेरे ऊपर नहीं है, मैं बेड़िया तोड़ती है यार। तोड़ की करे अभी? बचो बचो। ओ पाजी किधर गए? ओ पाजी रुक जाओ यार, अकेले छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? उठिए सर उठिए, पुलिस। सर सर मुबारक हो, कोबरा पकड़ा गया। अरे यार ये तो पकड़ा गया ठीक है, लेकिन वो तारा और सितारा कहाँ चले गए मेरी नौकरी खतरे में डालकर? और तू इतना बड़ा क्रिमिनल बनता है, उन दो छोकरों को 2 मिनट भी नहीं रोक सका, अब चल उठ। अरे यार ये कैसे उठेगा, इसके पैर में गोली लगी है, इसे डालो कंधों पर और ले जाओ अस्पताल। एक घने जंगल में दोनों को कहाँ ढूंढूंगा यार। तारा सितारा, तारा बहुत माल इकट्ठा किया है। ए बुढ़िया, ये तारा और सितारा कहाँ है? तुसी अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो? शहर में कहीं कोई चोरी हुई है ना? किसी ने किसी को लूटा है ना? शहर में कितना अमन और सुकून है। ओदा मतलब की है? की है मतलब? की है। ओदा मतलब ये है कि मेरे दोनों पुत्र अपने ससुराल में है, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल? अरे जेल से भाग कर तेरे तारा और सितारा ने मेरे सितारे गर्दिश में कर दिए। मेरे तारा सितारा भाग गए? अरे कमबख्तों, जब तुम मेरे लाडलों की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों उन्हें 6-6 महीने का मेहमान बना कर ले जाते हो? अरे हम उन्हें नौकरी दिलवाने थोड़ी ले गए थे, चोरी के केस में लेके गए थे। हाय रब जी, मैंने अपने सीने पे पत्थर रख कर अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे हवाले किया है, और तुमने उन्हें पका दिया है। अरे हम कोई पागल है? उधर अरे हम कोई पागल है जो कैदियों को जेल से भगाएंगे? अरे वो खुद जेल तोड़ के भागे। अरे तेरी देखभाल में जरूर कोई कमी रह गई होगी, वरना मेरे पुत्र भागते ना। मेरे जीने का यही तो सहारा है। हाँ। एक तारा तुझा सितारा। हाँ। कान खोल के सुन ले खुतिया। हाँ। अगर तूने मेरे लाडलों को सही सलामत वापस नहीं किया ना। हाँ। तो तुझे मेरी हाय लगेगी। अरे मुजरिम की गोली से मरेगा तू, फिर भी बच गया ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। बस बस मेरी माँ बस कर, जैसे ही तेरे 2 अनमोल रतन मुझे मिलेंगे ना, मैं खुद यहाँ उन्हें छोड़ जाऊंगा। अरे बाप रे, ये औरत है क्या औरंगजेब? माय गॉड। तारा सितारा गया वो। साड़ी प्यारी, दुनिया तो सबसे निराली माँ, तूने कमाल करता। आई स्वेयर। बस बस, अब तुम दोनों बकत की नजाकत को समझो और जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर पार निकल जाओ। मैंने फोन जरूर करी हा? और जब तक मैं ना बुलाऊं आना मत हा? और ये लो पैसे रख लो, मैंने तुम दोनों के बुरे वक्त के लिए जोड़ के रखे। तू कितनी चंगी है, तू कितनी पोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ साड़ी माँ, ओ माँ माँ, तूने हम लोग के लिए बहुत किया है। सच्ची बताऊं, जे हमारी सगी माँ भी होती ना, ते भी है। क्या मैंने कभी तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया है? अगर तुम्हारी सगी माँ होती ना तो महान बनने के चक्कर में तुम दोनों को पुलिस के हवाले करवा देती। हा? मेरी तरह तुम्हें बचाती ना फिरती, और तुम दोनों हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाते रहते। ना माँ ना, तू मिसअंडरस्टैंड ना करी। सड़े बोलने का मतलब है, अगर तू नहीं होती तो असी दोनों जिंदा भी नहीं रहते। हाँ माँ, हमको पता है कि पैदा करने वाले से पालने वाला बहुत पड़ा होता है, और तूने तो हमको पाला है। So please, please don't misunderstand us here. अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम दोनों ऐसा करो, जल्दी से भाग जाओ। पहले तो तुम्हारे पीछे सिर्फ सपेरे लगे थे, अब वो सांप कोबरा लग गया है जो तुम दोनों की टांगे तुड़वाना चाहता है। अरे वो क्या डंगा तोड़ेगा, और उसकी तो टांगों पे हमने खुद गोली मारी है। ठा और नहीं तो क्या। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ ऊंचा गेम खेले, हम लोग एक नया गेम खेल जाते हैं। दो से डेढ़ बन जाते हैं। जिंदा रे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, मैं क्या हम क्यों कर। ओए होल्ड यार होल्ड। ब्यूटीफुल कुड़ी तो क्लीन बोल्ड पाजी। मैं क्या तर पाजी। हाँ जी, तुसी ये पकड़ो। हाँ जी, मैं ट्रेन का पता करके आ रहा हूँ। हाँ पाजी, बट टेक केयर। ओके ओके ओके, तुम ही कह दो पाजी,
जा। मैं क्या तुसी इत्थे ही बैठो? हम क्या I know, क्या करे? मैं क्या हम क्या करे? और महाराज की हो रहा है? हाँ कोई सर्कस वर्कस आया है, कोई जादूगर वादूगर आया है कि फिर कोई फ्लॉप पिक्चर लग रही है? इस वक्त दो चोर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। अच्छा, अरे बदमाशों ने सारे शहर की पुलिस और शहरियों की नींद हराम कर दी है। अच्छा देखोगे? अच्छा दिखाई दे, चल फिर। इनाम है इनके ऊपर, मिल जाए तो आप खाइएगा, थोड़ा हमको भी खिलाइएगा। भैया जल्दी देना, जल्दी। आउच। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके तरपाजी सनीत बैंड बज गई यार। मैं क्या यार, मैं क्या सर? ए तोड़ी कुड़ी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी कुड़ी नहीं है, लेकिन तू मेरा दामाद जरूर है। सानू आशीर्वाद दो। जीतो जीतो, खुश रहो। मेरा एक और दामाद है, नजर नहीं आ रहा किधर है वो? मैं नहीं बताऊंगा। मत बता मत बता, मुझे सब है पता। तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तुम दोनों में से अगर एक को पकड़ा जाए ना, तो दूसरा खुद आके अरेस्ट हो जाता है, है ना, है ना? चलो जी, आओ जी आओ। अच्छी टोपी है, किसको फिराई? चल इधर सर, इधर आओ जी आओ। इतना बड़ा रिस्क लेके मेनू बचा लिया है। मैं कहता हूँ सितारा पाजी, रिस्क नहीं बड़ा है, वो हमारा रिश्ता बड़ा है। और सारी दुनिया जानती है कि तारा सितारा दो जिस्म से एक जान है। तारा पाजी हाँ जी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो की होना? मैं कुछ नहीं होना है। और तुसी बताओ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो आप क्या करते? तारापाजी जीप तो क्या, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन पर जाके ले जाता। बाजी गई ना घंटी? हाँ जी। तारापाजी हाँ जी, आज ना मैं आपको अपने दिल की बताना चाहता हूँ गल। दसो तारापाजी। हाँ जी। I respect you lot यार। ओए गड्डी चला यार। नहीं गड्डी छोड़ो, मेरा इमोशन देखो यार। गड्डी चला। नहीं मैं तेरा हाथ छोड़ता हूँ। Don't respect me। Don't respect me। गड्डी चला। I can't hold यार। नजराना बना, हर मौसम मस्ताना बना, ये तो जाने हाँ जाने, ये तो जाने ये जाने जग सारा, मेरे यारा बेकारे यारा, मेरे यारा एक और एक, एक और एक, एक और एक, 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 इस इलाके में अगर किसी को भी छुप कर आते जाते देखा तो सीधे गोली मार देना। ये सब मैं क्या पाजी? हाँ जी। वो गड्डी कौन है, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज? पाजी आई थिंक सो स्ट्रांग फ्रेंड दैट आई डोंट नो। ओके मेजर राम सिंह। पाजी आ गया। इस बंदे को राजू नेपाली कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल। ये इलाका पार तुम्हें सिर्फ दो ही आदमी करा सकते हैं। हाँ जी। एक मेजर राम सिंह कराएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा मैं खुद। हाँ जी। और मैं ये काम सिर्फ पैसे लेके करता हूँ। नई बात बोल रहा। कितने पैसे लोगे महाराज? दो के दो लाख। बाजी हम लोग इलाके की प्राइस नहीं पूछ रहे, इलाका क्रॉस करने की प्राइस पूछ रहे हैं। ये इलाका क्रॉस करने की ही प्राइस है। अच्छा? जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आ जाना, राजू नेपाली तुम्हें यहीं मिलेगा। अच्छा जी बाय। जवाब ही नहीं दे रहा, बड़ा रुखा आदमी है। बाजी जी इस इलाके में 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से होगा, यहाँ तो कोई अपना भी नहीं है। पाजी है जी, मैं क्या बैंक आ गया? पाजी पाजी पूरा करे साडा सपना, क्योंकि ये बैंक अपना। पाजी की लगता है 2 लाख का चक्कर चल जाएगा? लेट अस गो इनसाइड एंड चेक द कैपेसिटी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। अकाउंट खुलवाना है आपको? नहीं जी लूटना है।
लूटना है? बेवकूफ, दो इतने बड़े बिजनेसमैन अकाउंट नहीं खोलेंगे तो और की खोलेंगे? पैसे बहुत है ना। अच्छा अच्छा पाजी, इफ यू वांट टू ओपन अवर अकाउंट विद 1 करोड़ रुपीज। एक 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 भाई, भाई साहब एक पे ऐसे अटक गए जैसे 1 करोड़ रुपए इन्होंने टुगेदर कभी देखा ही नहीं। देखा नहीं, नहीं हा, हमारी बैंक में मुश्किल से 20 लाख रुपया होता है। ये तो बहुत ही छोटा बैंक है। छोटा बैंक नहीं है भाई, सुनिए सुनिए, नहीं समझ गए, गलती हो गई, वही गया 1 करोड़ रुपया गया। अरे आज बैंक में कमाल हो गया, 2 कस्टमर आए, उनको है ना अकाउंट खोलना था, एक 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 करोड़ रुपए से। मैं गधा ये बोल गया कि 20 लाख से ज्यादा हमारे बैंक में होते ही नहीं है, दोनों निकल गए। मैनेजर साहब, इतनी रात के कौन आया होगा? ऊपर वाले के नाम पे दे दे। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ओए, हम लोग भिखारी नहीं है, तुझे भिखारी बनाने आए हैं। आहो, आहो। मगर आप लोग है कौन? इधर भी देख लो, इधर 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 देख, पहचाना नहीं? ये बड़े बाबा है, मैं छोटा बाबा, छे छे गोली वाले बाबा। तुम्हें से रहने से आशीर्वाद मिलेगा। मामा पहचान गया। देखा है पहली बार, जन्म की आंखों में प्यार। छोटे बाबा जी, बाबा सुंदर कुड़ी यार। भाई कितने आए? उठे आओ कुड़ी यार। बाबा जी, बाबा ओए देखा ओए, ये कैसी बदतमीजी है? डैड फौरन पुलिस को फोन कीजिए। फोन तो आपका हमने पहले ही डैड कर दिया है जी। बोलो तो डैड को भी डैड कर दे यार। नहीं डैड जी, इधर आ जाओ, गल करने दो उनको। तुसी सैड ना हो, असी तो तनु देख के पहले ही मैड हो चुके हैं जी। ओए देखा, ओए आपकी कुड़ी ने हमारे बाबा का दिल लूट लिया, अब हम भी लूटेंगे आपकी बैंक। हाँ रात को यहीं सो जाएंगे और सवेरे पूजा के बाद आप हमें खुद बैंक ले जाएंगे, खुद अपने हाथों से बैंक लुटवाएंगे, फिर बाहर भी छोड़ के आएंगे और दुबाद पुलिस क्वेश्चन आंसर जी न्यूज़, आज तक बहुत नाम हो जाएगा। आप खाती रहे, वो खाती नहीं यार, वो खा खा खा। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, खीर ते आलू ते गोभी ते पराठे, खुश रहे, वक्त हमारा चैन से खाएंगे। मैं क्या मैंने बनाई, आप लेंगे? फड़ा फड़ा ला फड़ा। मैं क्या बाबा जी, तुसी खाओगे? मैं ते खा रहा यार, तू खा ले। अच्छा वो नॉन फैटनिंग है, ये फैटनिंग है, तुसी पतले थे मैं मोटा। अच्छा मैं क्या, तू खड़े होके थे की कर रहा? बैग लिया यार, बैंक लूटना है बैंक यार, समझे कर। रो रहा है क्या, हंस रहा है, की कर रहा है यार? जल्दी करो ये पुत्र, जल्दी करो, पता है ना कौन है? छेचे गोली वाले बाबा। जल्दी करो नहीं तो आशीर्वाद मिलेगा, समझ गया? चलो यार, कैसे रो रहा है यार? एक गल सुन, एक गल सुनो, एक गल सुन, तू ऐसी भैड़ी शक्ल बना के क्यों रो रहा है? ले फिर रो रहा है, चलो हो गया। तुसी मेरे नाल भाग चलो प्लीज, बहुत रुपया है, बहुत सुखी रखूंगा, आई प्रॉमिस। घबरा मत बाबा। एक तो मेरे बैंक का सारा माल लूट लिया, ऊपर से मेरी बेटी को भी भगा ले जाना चाहते हो? पाजी चलो जल्दी आओ, चलो पुलिस आएगी। चलो भाई, भाई क्या, ओए बैंक लूटा है, हम लोग डाकू हैं इसलिए, चलो। ओ नहीं, चल ओ मेरे बड़े भाई, ले गया सारा माल, ले गया। पाजी, ओ पाजी, हाँ जी, कितना बुरा टाइम आ गया है। हाँ जी, पहले हम पैसे लेके दौड़ते थे, हाँ। अब हम पैसे दे के दौड़ रहे हैं। ओ पाजी, आपको नहीं लगता कि इस बंदे को पैसे देने के बजाय अगर हम लोग राम सिंह से कोई मॉडलिंग करते तो क्या लगता है क्या होता है? गोली मार देता। ओ पाजी गोली, ओ गोली, ओ पाजी, ओ गोली। ओ पाजी मुझे राम सिंह की याद आ रही है। ओ पाजी वो लकी भाग लो, ओ पाजलो। ये है राम सिंह का घर। तारा और सितारा को पुलिस और कोबरा से बचने के लिए इससे अच्छा ठिकाना और कहां मिलता? वैसे तो हर घर में घुसना तारा और सितारा के लिए बहुत आसान बात थी। चलिए देखते हैं राम सिंह के घर में घुसने के लिए अब ये कौन सा नया गुल खिलाते हैं। 100 का नोट, हे भगवान, हाथ की खुजली ही मिटानी थी तो 500 का नोट दे देता। 500 का नोट
आज किसका मुंह देख के उठा था सवेरे सवेरे। हे भगवान, अगर इतने मेहरबान हो तो नोटों से खचाखच भरा पर्स दे दो, मजा ही आ जाए। नोटों से भरा पर्स, मैं पागल हो गया। कुत्ते, आज तेरी खुजली हम मिटाएंगे। ओए यार, सड़क के ऊपर मेरा पार्स वार्स क्या पड़ा हुआ था, तूने चोरी चोरी कर ली? नहीं नहीं नहीं, हम चोरी नहीं कर दे, अब पड़ा हुआ था। ओए पड़ा हुआ नहीं था, हमने हिफाजत से रखा हुआ था सड़क के ऊपर। पापा जी, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं क्या, चल पुलिस स्टेशन। चलो चल। साहब नहीं साहब, हमको पुलिस स्टेशन मत ले चलिए साहब। क्यों है? हम बहुत गरीब आदमी है, मेरी एक माँ, दो भाई, तीन बहने, तीनों की शादी करनी है। ऐसा करिए साहब, दो के साथ आप शादी कर लीजिए, तीसरी के लिए मैं आपसे अच्छा ढूंढ लूंगा। होते के बच्चे, तुझे हम जैसे नोबल क्लार्क केबल मिलेंगे। ओ, उसकी पर्सनालिटी देख, देख उसकी पर्सनालिटी, इधर देख, मेरी शक्ल देख, हाँ देख रहा, समझ रहा है? और गल सुन पाजी, तुसी छोड़ो। ओ पुत्र, असी तेरे बहना नाल शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शादी के लिए हेल्प करेंगे। किस तरह से हेल्प? ले हड़, 100 रुपया में हेल्प। और नहीं, तू ज्यादा ले ले, तेरा कोटा बड़ा लग रहा है। और सुन जी, ओए बंदे गिन मत। और सुन बताई कि इसके बदले में तुझे हमारी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी मदद? ओ बड़े पाजी ने पूछ, छोटे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछो है, तारे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछा है, ओ तारे नु पूछ यार। भाई काहे परेशान कर रहे हो? तो पूछ रहे हैं कि डांट रहे हैं? नहीं, बता दीजिए ना। माँ जी, माँ जी, ये देखिए आपका मंगल सूत्र, ये देखिए। अरे ये तेरे पास कैसे आया? चोर चुरा कर भाग रहा था। हे भगवान, एक ही तो उनकी आखिरी निशानी है जिसे मैं रोज देखती हूँ। अच्छा बता छोटू, तूने चोर को पकड़ लिया? हमने नहीं पकड़ा, ये दो शरीफ लोग, तारा जी और सितारा जी, इन्होंने चोर को पकड़ा है। जुल्म सितारों का आंगन होगा। भाई सितारा, वही आंगन थे, वही नजारा, कोई जरा भी नहीं बदला। कार हमारा, वही कार, वही खिड़कियां, वही दरवाजे और पर्दे भी हैं जी। आप पहले भी इस घर में आ चुके हैं? आ चुके, असि तो पैदा ही इत्थे हुए सी। है जी, है जी। साडा मुंडन ते नामकरण इत्थे हुआ सी। ओह जी, मैं तारा ते मैं सितारा। उस वक्त साढ़े प्यो दे सितारे गर्दिश सी। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उनको ये मकान बेचना पड़ा। और उसके बाद से आज तलक हम दोनों भ्राओं को अपनी माँ ते प्यो की बड़ी याद आती है। ना ना बेटा, सबर से काम लो। माँ भी ऐसी करती थी। होल्ड करी यार, होल्ड। बस, बस, बस। बाजी, ओए, हाँ जी, ना तारे, ना। वाह, वाह। की बताओ माँ जी, ओ, ओ याद आ गई जी, बड़ी याद आ गई। तुसी ग्रेट हो माता जी। बाजी बच्चा। ओ ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है। ओ माय गॉड, भाई तारे। तेनु याद है बचपन में मैं इसी तरह चॉकलेट लेके आया करता था? और मैं छीन लेंदा सी। और मैं तेरे से छीन लेंदा सी। पाजी, हाँ जी, आपको पता है मुझे भी ऐसे छीन के खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, और तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा भाई। जिंदे रहे पुत्र। हाँ पाजी। भाभी, माँ, पाजी मिल गया। पाजी मिल गया, पाजी मिल गया, मिल गया, पाजी मिल गया। अरे पाजी मिल गया। क्या मिल गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाजी नु अपना कमरा मिल गया। कोई कमरा नहीं पाजी, मेरा बेडरूम, मेरा बेडरूम मिल गया पाजी। ओए होल्ड यार। पाजी, वही रंग ते वही टांग। ओए होश में आ यार। ओए होश में तो हो पाजी, ओए होश में तो बोल रहा हूँ पाजी। ओए आज इस घर को देख के मैं बड़ा इमोशनल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया। हाँ जी, अगर तुझे इस घर से इतना लगाव है तो सामने वाले होटल में रह के वहाँ बैठ के देखते रहना इस घर को यार। होटल में रहना पड़ेगा? हाँ जी। आज, अरे तो बेटे कुछ दिन यहीं रह जाओ ना, है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। माताई। ओए तारे, ना ना। नहीं मैं उठ नहीं सकता ना, तो मैं पांव छुरिया सी। अच्छा भाई,
सितारे बोल भाई तारे। ओ यार कुछ याद आया उनकी यार। ओ यार इनकी शक्ल ते पर्सनालिटी वो जवानी में जैसे साडे डैडी लगदे सी। हाँ यार नहीं वही मुछे हाँ। वही लंबा कद हाँ। वही रुबाबदार चेहरा हाँ। कोई फर्क ही नहीं है यार हाँ। कौन है ये लोग? ये मकान पहले इन्हीं का था, कुछ दिनों के लिए आए हैं तो हमने कहा यहीं रह जाओ। मैं किसी भी अजनबी को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देता। चलो बैठ। हाय चलें। व्हाट डू यू फील? नो आई फील पाजी, जब ये घर ही साडा नहीं है तो यहाँ के लोग साडे कैसे हो सकते हैं? अच्छा? तुम लोग कहीं नहीं जाओगे है? यहीं रहोगे। बेटा तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने मेरा कितना बड़ा काम किया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। फौजी है ना, किसी पे जल्दी विश्वास ही नहीं करता। अरे छोटू जी। माँ जी इन दोनों का सामान आउटहाउस में रख। जी माँ जी। लाइए सितारा जी सामान। माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। सामान दे दीजिए। उसको नहीं देखा हमने कभी। साधु वाली सभी यही कह गए हैं, इस दुनिया में प्यार बड़ा है, क्लेश मिटावो मेरे नाग नथैया, हो राधा मैया हो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरे सपनों की नैया, हो राधा मैया हो कृष्ण कन्हैया, पार लगा। अरे बेटा बहुत मीठा गाते हो, मन को बड़ी शांति मिली। माता जी मेरा तो सितारा पाजी तो ऐसे ही है, हमने ना जिंदगी में बड़े चंगे चंगे गाने गाने चाहे लेकिन सानू कोरस चंगे नहीं मिले। बेटे वो सितारा कहाँ है? हाँ जी वो सवेरे की पूजा मैं करता हूँ और शाम की आरती वो उतारते। बहुत अच्छी बात है, आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। अच्छा जी आशीर्वाद ले लो। अच्छा पेरे पेरे। राम सिंह जी मैं गड्डी चला लूंगा। कोई नहीं। और छोटू सामान शुमान चप्पल शप्पल लेकर अंदर क्यों घुस गया? मैंने बुलाया से। आपने? हैं जी वो हम लोग आउट हाउस में ठीक थे, अंदर क्यों घुसा रहे हो घर में? ना तो घर में रह रहा है ना तो आउट हाउस में। ये जज्बाती बातें करके तू मेरी फैमिली के दिल में घुस सकता है, मेरे नहीं। अच्छा एक मिनट, वो सितारा जी बाहर मिलेंगे तो सही? ओ सितारा प्रा थोड़ा गेट पर इंतजार कर रहा है। अच्छा उनको पहले ही घर से निकाल दिया? अच्छा छोटू यार ऐसे नहीं लगता है कि बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है? हां मुझे भी लग रहा है। पाजी तू भी आ गया। पाजी मैंने बड़ा इमोशन में भजन गाया पर राम सिंह मेरे आटे में नहीं आया, बड़ा शातिर बंदा है। मैंने तो सुना है कि आपको कपड़े भी नहीं बदलने देते। तू कपड़े दी बात करता है, उन्होंने तो मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया यार। ओ यार सुने, ओ मेरे बड़े पाजी के लिए डब्बा लेके आया। चुप यार, तेनू पता है जब मेरा दिमाग घूम जाता है तो मैं घुमा घुमा के बंदे नू मारदा। पाजी आज तो मेरा भी दिमाग बड़ा घुमा हुआ है, पर यार राम सिंह पे गुस्सा तो नहीं उतार सकते ना? फिर कैसे रहेगा? नहीं साहब हम बहुत गरीब आदमी, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहने, तीनों की शादी कर। तीनों बहनों से मैं कल्ला शादी करता हूँ। ओए लुक तो ये दोनों फ्रीलांसिंग हैं। देखना गोली राम सिंह के बेटे को ना लगे, उसे जिंदा उठाना है। नदीन 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 बचाओ बचाओ। बस बस हो गया हो गया। ओए घबरा मत घबरा मत घबरा मत। ओए ओए बच्चा रे जीत गया और तुम लोग हार गए हो।
चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से? मैं निकल? ओए पाजी। है जी। पाजी पूरा जंगल हरा भरा हो गया, जल्दी आ जाओ। ओ मैं आ रहा। ओ पाजी इत्थे ना गुंडे आ गए ना गुंडे। यू हैंडल देम। ओ पाजी मैं तो पैडल पे हूँ, मैं किस तरह हैंडल करूंगा समझा करो। कांट यू सी आई एम बिजी यार। ओ पाजी आपका हैंडल बिजी है, मेरा पैडल बिजी है, इट इज नॉट इजी। इनके हाथ में गन निशान है, अपना हैंडल चेंज करो। दैट्स पॉलिसी है। ओ पाजी यू कैन नॉट किल अस जस्ट फॉर योर सुसु। कम ऑन। ओए चलो एंड निकल तेरी। ओए ओए चलो निकल। ओए पाजी मैं तेरा पाजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा, निकल यहां से। अब भाग। अब तू निकलता है कि मैं उठ के मारूं तुझे। ओए चलो भाग। हाँ डैड, डैड जल्दी क्लब हाउस के रास्ते पर आइए, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। हाँ ड्राइवर रणधीर भी मारा गया। बहती नहीं वैसे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चुप भी रहते नहीं, कोई सितम कभी सहते नहीं। ये जमाना जमाना, ये जमाना जमाना हमसे हारा। पाजी पाजी राम सिंह जी आ गए। यू सिट इन योर व्हीकल? हाँ पाजी हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पाजी पाजी मैं इनोसेंट तो लग रहा हूँ ना? सैड लुक दे यार। लो जी डैड। डैड राम सिंह जी मास्टर है। तू ठीक तो है? डैड मैं ठीक हूँ। अगर आज तारा सितारा अंकल नहीं होते ना, तो उन गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया होता। बंटी बंटी मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? माता जी और बच्चों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, उनके तो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया जाता। उत्ते भी रख दीजिए। अच्छा हम लोग चलते हैं। नमस्ते। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, जितने दिन चाहो तुम हमारे आउट हाउस में रह सकते हो। पाजी झूम के प्रणाम करके नमस्ते। मस्त है मस्त जी मस्त है। पाजी ठंड पड़ गई। पाजी बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर से। एक बात बताइए साहब, आप लोग तो ये बंगला खरीदने आए थे, आप तो यहीं पर डेरा जमा लिए। हम दोनों प्राव का क्या है ना, हम लोग मार्केट से जूते भी खरीदते हैं ना, तो उसको भी ठोक बजा के देख लेते हैं, पता नहीं कब चलाने के काम आ जाए। है जी एक बात बोलूं साहब, आप जब भी बंगला खरीदिएगा नौकर हमको ही रखिएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहनें हैं। और उनकी शादी भी करनी होगी। जी साहब बंगले पे निगाह है। ओए गाल सुन जी, नाश्ते का बंदोबस्त करी यार। जी साहब उनकी है यार। साहब आप भूलेंगे तो नहीं? अरे नहीं भूलेंगे यार। साहब मैं अरे मालूम है यार, तेरी तीन माँ है, 3,000 भाई है, 3.5 लाख बहन है। नहीं एक माँ। अरे चले यार, माँ बहन कर रहा है, बात नहीं बात कर रहा है, गल कर रहा है। लुदा पठा भाई तारा पोल भाई सी तारा मिल गया हमको छुपने का सहारा। है जी है जी। पाजी मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तक कोबरा मर नहीं जाता ना, हम लोग यहीं पर बिल में छुपे रहते हैं। पाजी कुछ नजर आ रहा है? बहुत डेंजर नजर आ रहा है पाजी। वो की? ओए गाल सुन, राम सिंह ने हमें गोद नहीं लिया यार के बुढ़ापे तक पालेगा, हम चंद दिनों के मेहमान है यार। ओए कुछ चंद दिनों के मेहमान ही है यार पाजी। ओ मैं क्या पाजी, ओए तुसी राम सिंह जी ने वेखा लेकिन उसकी लक्ष्मी जैसी पहनू नहीं वेखा। पाजी किन्नी सुंदर सुंदर कुड़ी है, कितना सुंदर सुंदर परिवार है, ते मैं सोच रहा हूँ कि राम सिंह की बहन से शादी करके क्यों ना इस घर का करजवाई बन जाऊं। करजवाई बनेगा? आओ तुझे क्या लगता है? हाँ जी एम मटके चलाने वाला चंदन सेठ है कि बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे देगा? राम सिंह है यार। राम सिंह भी तो इंसान ही है यार, और जिस तरह हम उसके घर में घुस गए क्यों ना उसके दिल में घुस जाए। सच कहो पिंकी? हाँ मैं तुम्हारे भैया से बहुत खुश हूँ। हाँ। तारा और सितारा को अपने घर में रखकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ। अरे यार प्रीति, तारा और सितारा जी ने जो काम किया है उसे उन्हें घर में तो क्या अपने दिल में जगह देनी चाहिए। योर राइट पिंकी ऑलवेज। सितारा तो एकदम ही मैन लगता है, कितना बहादुर है वो। प्रीति बंटी को सिर्फ सितारा जी ने नहीं, तारा जी ने भी अपनी जान पर खेल के बचाया है, कितने बहादुर है वो। अरे मैं तो हैरान हूँ कि व्हीलचेयर पे बैठे बैठे गुंडों की पिटाई कर दी। योर राइट पिंकी, जिसका भाई सितारा जैसे ही मैन हो What? शेर हो, वो तो व्हीलचेयर में क्या बिस्तर पर लेटे लेटे भी मार सकता है। हाँ। प्रीति
तू घुमा फिरा के बाबा सारा क्रेडिट सितारा जी को क्यों दे रही है? डोंट से दिस या पिंकी, मैं तो दोनों के बारे में बोल रही हूँ ना। अच्छा, सुनाई मुझे सिर्फ एक के बारे में दे रहा है। क्या कि दूसरे के बारे में तो तू बोल रही है? अरे हाँ। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे कॉलेज की देर हो रही है। वो क्या ना, सीनियर डॉक्टर से मिलके तारा जी के पैरों के बारे में पूछना है। लेकिन तू एक काम कर, तू यहीं बैठी रहे। क्यों? क्या पता टपकती हुए कहीं सितारा जी यहाँ पहुंचे। बाय स्टूपिड। जाहिर सी बात है, मैं टब के पानी में स्विमिंग तो नहीं कर सकता ना। मैं है ना अपनी खुशी से ना खुदकुशी में कैसी फीलिंग आती है देखने की कोशिश करी थी पिंकी जी। क्या है पिंकी जी? पिंकी जी, आपकी सिटी में कोई
चंगी बड़ी हिलते होगी। हाँ है, पर क्यों? नहीं है ना, आप मुझे उसके टॉप पे ले जाओ और है ना धीमे से एक छोटी लत मार दो ताकि मैं ऊपर से डिग पाऊँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तो है ना पिंकी जी, एक मैं क्या कहती दूँ, आप है ना मेरे मुंह को ना इस तरह पढ़ लो और पढ़ के ना उसको है ना और टब में दबोच मारो और अपनी लत है ना उसके ऊपर रख दो हाँ, और जब तक मेरे दम का बम नहीं फाड़ जाए ना उसकी लत को मत हटाना। मैं हूँ ना, मैं है ना सुसाइड के ना बहुत सारे असफल प्रयास करना चाहता हूँ। ये देखिए इस किताब में कम से कम 250 नुस्खे दिए ऐसे शॉक केसेस को ठीक करने के लिए। इससे आप चल सकेंगे, भाग सकेंगे, हाँ हो सकता है मेरे साथ डांस भी कर सकेंगे। डांस? हाँ। पिंकी जी, मैं चल सकूंगा? बिल्कुल। मैं दौड़ सकूंगा? मतलब कि मैं हाथ पकड़ के आपका दौड़ सकूंगा? पिंकी जी, पिंकी जी क्या कमाल की बात की, मेरा दिल कर रहा है मैं आपका मुंह चूमूं। नहीं पिंकी जी, मैं फिर से सुनना चाहूंगा। पिंकी दे कपड़े यहाँ कैसे सूख रहे हैं? कहीं लंगड़े ने लंगड़ी तो नहीं खेल ली? तारे ओ भाई सितारे, बड़ा जल्दी आ गया। जल्दी? मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत देर लगा दी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई अभी तक। तारे, एक्सप्लेन दिस। ओए क्या एक्सप्लेन करना है? ओए क्या एक्सप्लेन करना है? ओए अपाइट का इलाज करना आई थी। इलाज? इलाज कर रही थी। एले। ओ भाई सितारे, ओ भाई सितारे, ओ किथे है? ओ किथे? ओ भाई सितारे, ओए वड्डे पाजी ओके, ओ छोटे पाई नु तक्का मारा? ओए दो दिन नहीं हुए इधर आके और तू इतना आगे बढ़ गया यार। ओए मेरा इरादा तो और भी डीप जाने का था, आई मीन मंडप तक जाने का था। ओए शट अप यार, सुधर जा तू यार। हम यहाँ बंधने नहीं भागने आए हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर राम सिंह देख लेता तो वो तुझे सचमुच अपाहिज बना देता। राम सिंह ने कोई गन्ना उखाड़ना है? ओए मैं उसकी बहन की लाइफ के अंदर घुस रहा हूँ, उसकी बहन मेरी लाइफ के अंदर घुस रही है। ओ भाई सितारा, ओए यार मैं आप ही ना सोच के अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता हूँ कि जब उसकी बहन अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे पाँव को दबाएगी तो मुझे कितनी गुदगुदी होगी। मुझे तो अभी से हंसी आ रही है। तारा जी कुछ दर्द महसूस हुआ क्या? कुछ महसूस तो हुआ है लेकिन दर्द नहीं। नहीं? अब जरूर होगा। अब दर्द महसूस हुआ? कुछ महसूस तो हुआ लेकिन दर्द नहीं। तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ पिंकी जी कि आपको हमारे इलाज की कितनी परवाह है, कितना दिल से इलाज कर रही हो और पुलिस की तरफ पीछे पड़ गई हो। पर मुझे लगता है कि ये बेंत ही नकली है। पिंकी जी तुसे कितनी छोटी सी बेंत लेके मेरे पीछे मेरा इलाज कर रहे हो जबकि बटे 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 डंडे टूट गए। पाजी हाँ जी, वो देखो यार। की वो देखो, वो छोटी सी केन छोड़ दो। मैं इस हंटर से तारा जी के पाँव पे मारूंगा, उनके पैर में दर्द पैदा करूंगा। हट जाओ। पाजी ये पूरी फैमिली मेरा इलाज करने के लिए क्यों पीछे पड़ गई? और यार ये राम सिंह का सिंह मेरे कल्ले क्यों आ रहा है? ओ एनु का होल्ड यार, क्लीन बोल्ड यार। क्यों? राम सिंह का सिंह राम सिंह कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं की करा यार। इतना बड़ा डंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। ये वो लठ है जिसने टनों के हिसाब से तेल पिया है और दर्जनों का तेल निकाल दिया है। इसके पड़ते ही तारा जी की टांगे अपने। बाजी सुहारे ने संभालो, ये पागल बंदा है। और बंदा भी नहीं है, बंदर बंदर। लठ है बादशाह पीछे देखे मार खाए। लठ है बचा लो। ओके होल्ड यार प्लीज। रामखोर और बदमाश, ओए कमीने मेरा इलाज कर रहे थे। अरे हमको क्यों मार रहे? हम तो आपका इलाज कर रहे थे। ओ हम भी आपका इलाज ही कर रहे हैं, है पाजी? है जी, गिव हिम ए बनाना। या दैट विल गिव हिम सम एक्स्ट्रा एनर्जी। ले फाड़। इनका इलाज कोई नहीं कर सकता। चुप बांदर, ऐसा नहीं बोलते। इलाज तो होगा मगर प्यार से, है जी? मैं क्या पिंकी जी? ओ सितारा जी बैठी, कैसे हैं आप? बल्ले बल्ले। ओए मैं क्या है, तुसी इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें नाल की कर दे पाए हो? वो मैं ना तारा जी के लिए नया इलाज ढूंढ रही थी,
तारे लिए नया इलाज? What do you mean? अरे वो चल फिर नहीं सकते ना, इसलिए तो मैं ऐसा इलाज ढूंढ रही थी वो चल फिर सके। ओ मेरी गल सुनो, तारा बेचारा प्यार दा पुक्का है, वो मारपीट नाल कभी ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअली तो फिर मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए ना प्लीज। लेट मी थिंक। तारे दे अंदर एक गर्मी पैदा करो, उदे जिस्म च एक अग पैदा करो, ताकि वो अग नाल ना उदा जिस्म जले, ते वो जलन नाल इथे भागे उथे भागे, चीखे चिल्लाए जंप मारे। मैं क्या तुसी समझ गए ना? लीजिए चाय। छोटे बात तो बता। हाँ। ये आग और जलन कैसे पैदा करते हैं? पेट्रोल से। हाँ? हाँ हाँ, पेट्रोल में आग लगाइए, उस आग से जो जलन पैदा होगी उससे वो गाड़ी के इंजन की तरह भक 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 इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक्स। अरे हाँ, इसी को तो शॉक थेरेपी कहते हैं। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ मेगा बहुत ज्यादा ही बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। तेरे फड़ फड़े पकड़ ले। ओए नागा ने दे दिया यार, मत करा इतना। ओए पिंकी जी, पिंकी जी मेरे इर्द गिर्द झाड़ू में इतना पानी क्यों दे रही हो? अरे ये पानी नहीं पेट्रोल है। ओए लेकिन मेरी गड्डी तो हाथों से चल जाती है, पेट्रोल की लोड है? अरे तारा जी ये आपकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आपको चलाने के लिए है। मेरे को चलाने शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी? बहन दे टके, रोज रोज मेरे लिए नई थेरेपी ले आते हैं, पता नहीं अब क्या करेगी, आग तो नहीं लगाएगी? ओ काले काले घटा चल रही है, ओए मैं क्या हर कली मुझ पे शक कर रही है। ओए फुलो काटो विच्ची, ओए मेरी जान कुटिया मैं क्या कितने सारे काटे। ओह तारा जी ये क्या, इलाज होने से पहले ही आप भाग निकले। अरे मैं कैसे समझाऊं, व्हील चेयर पे बैठो फिर समझाता हूँ। वो क्या है ना कि ये इतनी ऊंचे ऊंचे श्रेणी के आइडिया आप लाते कहाँ से हो? दत्त वो आइडिया मेरा तोड़ना था। तो फिर किसका था? आपके बड़े भाई सितारा का था। ओ, हो, 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 हो। तो इस नजारे के पीछे का नजारा सितारा है। नजर ना लगे, कितने वो नजरुद्दीन नहीं किधर है? सितारा भाजी मैं क्या, आज मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो गले मिल ले यार, मेरा डायलॉग तो पूरा होने दो। सितारा भाजी ए पिंकी दी बुक हैगी है, एदे च 50,000 नुक्से ने टंगा ठीक करने दे, ऊपर से एक एक्स्ट्रा नुक्सा तुसी उसको दे के आए। ओ तारे यार, मैं तो उन्हें कह रही थी कि तेरे जिस्म में प्यार की गर्मी पैदा कर रही यार। ओ प्यार की गर्मी कोई अलग चीज होती है और जिस्म में आग लगाना अलग चीज होती है, वो मेरे जिस्म में आग लगा रही थी। हां जी हां जी ना जी। ओ हां जी हां जी तारा जी। ओए 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 पाजी मुझे कहीं छुपा दो, ये कोई नया नुक्सा ना ट्राई करे यार। उठे होल्ड कर यार, मैं उन्हें बोल्ड करके आना। ना उसको जब भी बोल्ड करूंगा मैं करूंगा। तो मैं तो होल्ड कर सक रहा हूं, फिर तू ही बोल्ड कर ले और डिस्टेंस मेंटेन करी। बड़ी खूबसूरत सुहानी खड़े है, ओ दुश्मना, ओ
खूबसूरत सुहाने खड़े हैं ओ दुश्मना ओ दुश्मना मोहब्बत के आगे जवानी खड़े हैं ले मुझे आगोश में ऐसे में कुछ सोचूं नारी ओए चंचल बाला मैं हूं बालक भोला भाला ओए पुजारी दा पुत्तर हूं मैं पंडित जी दा साला और आप हैं हस्ती आला और मैं दुश्मना ओए ना 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 ओए ना तुझको रात भर कम हो बेकरारी कोई ऐसी बात कर ए जागो और जगान आज तुझको रात भर ओ दुश्मना बड़ी खूबसूरत सुहानी घड़ी है ओ दुश्मना मोहब्बत के आगे जवानी खड़ी है भड़ ले मुझे आगोश में ऐसे में कुछ सोचूं तारा
तारा जी तो टंगिया टेंक दिया, ठूंठते से खड़े हो गए। ओए तू देखने दीजिए ना हमको। ओए तेरे, तू खड़ा हो गया, पागल तो नहीं हो गया यार? हैं, ये मैंने क्या किया? तारा जी, मैं खड़ा हो गया? तारा जी, अब दोनों पैरों पे खड़े हो गए, मेरे का इलाज कर दिया, तारा जी का इलाज कर दिया, ये इलाज कर दिया, अरे हाथ तो मिलाइए, तारा जी ठीक हो गए, ठीक नहीं हुए यार, आप लोग गंदे हो गए लगता है। साहब जी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मुबारक हो मुबारक हो। साहब जी आपकी तो भगवान ने सुन ली, आप मेरी सुन लो, हम बहुत गरीब आदमी, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं। माँ की शादी करवानी है, बहनों को नौकरी दिलानी है, भाइयों के हाथ में मेहंदी लगानी है। माँ की शादी नहीं करनी है, मैं देख लूंगा ना, तुम क्या देख लोगे, माँ की शादी करनी है। अरे सुनो रे भाई, तारे बोल से तारे। अजी ना, मैंने तेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। की कह रहे हो? मैंने तेरे लिए 50-60 डुएट गाने लिखे थे। हाँ तू एक ही गाने में खड़ा हो गया यार। ओए पाजी, मैं पंजाबी हूँ, आई कांट होल्ड, दैट्स व्हाई उस कुड़ी का कर दिया मैंने क्लीन बोल्ड। हो गया कपड़ा साहब, साहब जी तुम्हारा पैर का जख्म ठीक हो गया, फ्रैक्चर भी ठीक हो गया, हम तो कब से बोलता रहे चलने की कोशिश करो ना, व्हाई डोंट यू ट्राई, कम ऑन। तुम तो किसी बात को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। अरे मैं चल नहीं सकता डॉक्टर। अरे यूं ही सोचते परे रहोगे जिंदगी भर, कभी नहीं चलोगे तुम। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही टांग है, संभल के। मालूम है, मालूम है, आज मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा, एक पेशेंट दोनों टांगों से अपाइज था, आज वो अपनी विल पावर से, ओनली विथ हिज विल पावर चल रहा है, फिर रहा है। देखो देखो परो जरा। मैं नहीं देखना चाहता मैं। तुमको इंस्पिरेशन मिलेगा, परो। वाह डॉक्टर, ये तो गजब की इंस्पिरेशन है। अगर ये फोटो आपने पहले दिखा दी होती तो मैं एशियन गेम्स में दौड़ रहा होता। गुड। और भारत देश के लिए मेडल ला रहा होता। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मैं बैठना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बेसुर मेरे पाप को खोलिए, खोलिए, मैं बैठना चाहता हूँ डॉक्टर। यस यस सर, मैं बैठना। आराम से, आराम से, धीरे से डॉक्टर, धीरे से, धीरे से, मैं बैठ सकता हूँ। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, इसे लेटर है, इसे बैठाइए मत, अगर ये बैठ गया तो हम सब लेट जाएंगे। चुप करो, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है। चल ए डॉक्टर, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? खड़ा हो सकता है बिल्कुल, खड़ा होना चाहता हूँ। आराम से, आराम से डॉक्टर, मैं खड़ा हो सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर साहब, इसे बिठा दीजिए। अरे तू चुप कर, उसको खड़ा रहने दे, इलाज हो रहा है। डॉक्टर मैं चलना चाहता हूँ। जरूर चल सकता है, कब चल सकता हूँ डॉक्टर? मैं चल सकता हूँ, भाग जाएगा डॉक्टर, मैं चल सकता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप जानते नहीं है ये बहुत चालू, थोड़ी देर बाद बोलेगा मैं भाग सकता हूँ। डॉक्टर मेरा मन कहता है कि मैं भाग सकता हूँ। हाँ तू भाग सकता है, भाग सकता हूँ डॉक्टर, भाग सकता हूँ डॉक्टर, भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ डॉक्टर साहब। अरे बाबा मैं चाहता है वो भागे, भाग सकता हूँ डॉक्टर, मैं भाग सकता हूँ, आपका इलाज कमाल है डॉक्टर। आराम से भागने में माहिर है, इसे रोको, इसे रोको डॉक्टर, इसे रोको। किधर गया? वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया, मैं बोलता रहा वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। आप बोलते रहे उसका इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, अब उसको कौन पकड़ेगा तेरा बाप? ए पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे पैर पे मत मार, अभी अभी ठीक किया मैंने पैर। शट अप, पाजी ऐसा नहीं लगता कि इत्थे आके साड़ी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई। चेंज तो हुई है यार, तारे ना ऐसी कोई राबरी कीती है, ना लुटा है, ना किसी दा पाकेट मारा है। हाँ जी पाजी, लेकिन मैं उस बदली दी गल नहीं कर रहा हूँ पाजी, मैं तो उस बदली दी गल कर रहा हूँ जिसके पीछे चांद छुपा होता है। पाजी मैं पिंकी दी गल कर रहा हूँ, उसने है ना मुझे व्हील चेयर से उठा के अपने दिल की चेयर में बिठा दिता। मैं क्या तारे? हाँ जी, ये प्रीति है ना? हाँ जी। वो भी मेरे दिल में बस गई है। तो पाजी क्यों ना हम दोनों भाई इधर बस जाएं? हाँ पाजी। हाँ जी, आपने कभी सोचा है कि हमारी पिछली लाइफ से ये लाइफ कितनी चंगी है? हाँ अपनी पिछली लाइफ में किसी, हाँ भागते दौड़ते पुलिस ते कोबरा। कोबरा की गल ना कर यार, कोबरा दस दस के उसने हमको ब्लू कर दिया। मैं क्या पाजी? हाँ जी,
जी जाएंगे तैर के। हाँ जी, नई जिंदगी दी नहर नू। पाजी मिल के लात मारो इस व्हील चेयर नू। ओ आओ राम सिंह के कबूतर, क्या संदेशा लाए हो? गुड मॉर्निंग राम सिंह। गुड मॉर्निंग। सेल की तंग दीवारों से तंग आ चुके हो, जो आज पीटने के लिए बाहर बुलाया खुली हवा में। जगह बदल लो, लेकिन सवाल तो वही किसे पिटे ही पूछोगे ना। पहला सवाल, फौज से चुराए हुए एम्युनेशंस कहाँ हैं? दूसरा सवाल, इन एम्युनेशंस का सौदा किसके साथ किया है? तीसरा सवाल, तुम्हारा हाइड आउट कहाँ है? यही ना। चौथा सवाल तो तू भूल ही गया, तेरे साथी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं? इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। मेरे साथी यहाँ आसपास पहुंच चुके हैं, मुझे छुड़ाने का प्लान भी बन चुका है। जिस दिन मैं आजाद हो गया, राम सिंह तू खत्म। तो ये मौका मैं तुझे भी देता हूं, भाग यहां से और मुझे खत्म कर। बहुत बहादुर समझता है ना अपने आप को, तो ये मेन गेट तो क्रॉस करके बता, तेरे और तेरी आजादी के बीच में सिर्फ मैं हूं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। इसके साथ खोल दे। एक बात और याद रखना, पहली बार पकड़ा तो 10 फटके पड़ेंगे, दूसरी बार 5, तीसरी बार तू एक फटके का लायक भी नहीं रहेगा। भाग। जवानों, राम सिंह बोल रहा हूं, पैन सर को कोई नहीं रोकेगा, जहां भागना चाहे भागने दो। आउट। वेलकम राम सिंह। Penta, goodbye, bye. Ram Singh, I will kill you. गद्दार, एक फौजी को मौत की धमकी देता है। चार हो गए राम सिंह, एक बाकी है।
आजा। फाइनल फटका। हाँ मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब सुनिए ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी एक माँ, दो भाई, तीन बहनें, तीनों की शादी करनी है। हमारी दो बहनों के लिए तारा जी और सितारा जी कैसे रहेंगे? ओए बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। का है, का खराबी है उनमा? चल जाना यहाँ से, कोई और लड़के ढूंढ। घर से बाहर निकलो तब ढूंढो ना, घर से बाहर निकलने नहीं देते हो, घर में आने वाला करने नहीं देते हो, अपना पूत पुतंगड़ दूसरे को जाते। वैसे प्रीति तूने ऐसे क्यों बोला? और नहीं तो क्या, मेरी सितारे से अपनी बहनों की शादी की बात कर रहा था। उसकी पर्सनालिटी देखी तुमने, कितना हैंडसम है। पाजी बहुत सुनी आवाज है, तोड़ा फोन है। सुनी आवाज है? है जी। हैं मेरी गर्लफ्रेंड पिंकी का फोन होगा। देखना कैसी सुनी सुनी गल करूं मैं। आई नो। हेलो, ओ कहां से बोल रहे मेरी डार्लिंग? कोबरा बोल रहा हूं। ओए कौन कोबरा बोल रहा है? और कहीं वो कोबरा तो नहीं बोला जिसका दांत निकाल के जहर फेंक के ओए टोपली में डाल के उसके पांच पांच पैसे में हम दोनों प्राइस शो करते हैं पब्लिक में? तेरा बाप बोल रहा हूं कोबरा। उसी तरह भाई हाँ जी, तक कोबरा था फोन सी मैंने पता सी। तो फोन मेरे हाथ में क्यों पकड़ा? मेरी हालत खराब हो गई सी यार। आ, वो मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। क्योंकि हालत तेरी मेरी भी खराब है। बैठ जाए। बैठ जाते हैं जी। इसी तरह जी फोन आते नहीं होगा। प्लीज चेक। हाँ जी। हेलो। होल्ड पे। अरे तारा जी, सितारा जी आइए बैठिए ना प्लीज, कुछ खाइए। वहाँ खड़े क्यों है आप लोग? अगर आपको भूख नहीं है तो मैं आपके लिए जूस बनवा दूं। अरे क्या बात है बेटा, परेशान हो? नहीं माता जी, बिल्कुल परेशान नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ थोड़ी टेंशन जरूर है। वो क्या हो गया? कल रात को हम दोनों प्राणे ने एक साथ खराब सपना देख लिया। सपना देखा? हाँ। क्या सपने में? हमने एक सांप देखा, एक कोबरा। आहो ओह, दस नंबर दा। ये तो बड़ा अशुभ सपना हुआ बेटा। हाँ? कहते हैं कि ऐसा सपना दिखे इसका मतलब होता है कि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ? पर कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। ऐसा करो,
एक छोटा मोटा सांप लेके उसे दूध पिला डालो। छोटा मोटा सांप मतलब छोटू को दूध पिला दे? बेटर है। हाँ जी। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। खतरनाक मुजरिम कोबरा पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से फरार हो गया है। कोबरा पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। पुलिस कोबरा की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी, यू नो व्हाट, मुजरिम जेल से कब भागता है? कब? अरे जब उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना होता है। मैंने शोले देखी है, उसमें कप्पर जेल से भागता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। वो भी शायद वैसे बदला लेगा। अरे इन्हें अचानक क्या हो गया? इन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। नाश्ते में डर खा के बेचारा। लेकिन आप क्यों कांप रहे हैं? ले, मैं कितो डरता। छोटू, और तू सवेरे सवेरे इधर क्या करने आ गया? अरे यही तो हमें आपसे पूछना चाहिए थे, आप आउट हाउस की बजाय यहाँ क्यों सो रहे थे? ओए बेवकूफ, हम लोग जो है ना मेहमान है, मेहमान कहीं भी मंजी डाल सकते हैं, तू इधर की कर रहा है? अरे राम सिंह साहब फोरन बॉर्डर की चौकी की चेकिंग के लिए जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए, उसके लिए गाड़ी साफ करने आए थे। मेहमान बन के कहीं जी है जी, राम सिंह यहाँ है तो कोबरा यहाँ नहीं आता है, पर राम सिंह चला जाएगा तो साड़ी सेफ्टी दा की होगा, तुसी कुछ दसो। तारा पाजी, आज एक छोटा जी आइडिया है। बोलो। क्यों ना ऐसी राम सिंह जी नाल बॉर्डर चले जाए और मौका मिलते ही बॉर्डर क्रॉस कर जाए। ये अचानक बॉर्डर पे आने का प्लान मेरे साथ कैसे बना तुम लोगों? पाजी कुछ नहीं हुआ, हमें अपने करेक्टर के बारे में आपसे कुछ पूछना था। बड़े पाजी तुसी पूछ रहे? मैं पूछा? हाँ? तू पूछ यार, तू बोल। अच्छा पूछना। अरे पूछो यार, क्या बात है पाजी? ओए कैसा यार, हाय चलो चल, ए हिलाना है पाजी। है जी पाजी, भागो, चल बैठ, चल बैठ, भागो। ओ भाई, भाई है जी दो रार है। लेट देम कम। पाजी हेलो, पढ़ाओ। नहीं नहीं, गोली देख। पाजी चली नहीं, ट्राई अगेन। पाजी चली लेकिन लगी नहीं, ट्राई वन मोर। पाजी हुण चली, गोली पाओ ते लगी। पाजी लेट्स गो एंड चेक। कम क्या रुख से जरा नकाब उठावो, साडे हुजूर। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उड़ गया तो ऐसा की कर लेगा। ओए टंगा में अभी भी गोली लगी है, साला अंताक्षरी खेल रहा है। ओए पाजी देखो ऐसा क्या इस डॉक्टर में। पाजी टॉक, पाजी टॉक। आई कांट टॉक पाजी, आई कांट टॉक। व्हाई? बिकॉज़ ही इज कोबरा। ओ कोबरा पाजी, ओ कोबरा पाजी, आप इस पैर में गोली लगी है। फिर तुसी इसकी टंगा ते गोली मारी है। ओए पाजी इसमें गलती इनकी है, और पुलिस और पब्लिक में इनकी फेस वैल्यू है। अब पब्लिक को क्या पता आगे नकाब में कौन छुपा है यार। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी का पर्दा गिराता हूं अभी। तुझको पता ही नहीं है नजदीक है तेरे दिन, अनहोनी है होने वाली, इन उंगलियों पे तू
मैं क्या पैसे तारा बोल भाई तारा ओ ये राम सिंह जी हमको यहाँ क्यों लेकर आए ओई मैनू लगता है कोबरा दे सिर दे उत्ते बहुत वड्डा इनाम है जो सानू मिलने वाला है मेनू शुरू से लग रहा सी कि हम लोग दोनों रिलायबली ग्रेट आदमी है मगर वक्त ने हमारी सक्सेस को हमेशा रोका है मगर वक्त बदल गया तो राम सिंह भी बदल जाएगा जाएगा राम सिंह जी की बड़े आओ जी आओ 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 राम सिंह अब क्या पूछने आए हो पूछने नहीं बताने आया हूं क्या तेरा भाई कोबरा जो मुझे किडनैप करके बदले में तुझे छुड़ाना चाहता था मारा गया है एक बात और बता देना चाहता हूं कि उसे मैंने या मेरे फौज ने नहीं बल्कि दो बहादुर सिविलियंस ने मारा है मैं उन्हें अपने साथ लाया हूं ताकि तू भी देख ले कि हमारे यहां का हर सिविलियन किसी फौजी से कम नहीं जी बोलो पाजी ये नाम है के फरमान है पता नहीं हमें हमेशा खुशी दुख दिल लिफाफे क्यों मिलती है पता नहीं यार मैं तो फेड अप हो गया पैंतर भाई राम सिंह की गल्ला है ना इन पे ज्यादा ना गौर करना वो है ना जो कुछ भी हुआ है ना एक हादसा सी बस यही समझ लो कि कोबरा भाई का वक्त आ गया सी। और देखो भगवान कितना दयालु है उसने आपसे एक भाई छीना तो आपको भेज दिए दो दो प्रा प्रा एक के साथ एक फ्री फ्री पैदर भाई सब्र से काम लो लो मैं सब्र से काम लूंगा यही ना यही सब्र नहीं था ना आपके भाई में इसे तो मर गया सारा कमीना बेचारा यार बेचारा लेकिन जिस दिन मैं यहां से भाग गया तुम दोनों की कब्र खोद दूंगा यार हम सब्र सब्र कर रहे हैं ये कब्र कब्र कर रहा है वही होल यार इसके मुंह पे उसकी कर देते हैं पाजी इतने सैड क्यों लग रहे हो यू स्माइल नो पाजी ये गड्डी कैसे रहेगी चलो मैं इसमें आपको ले चलता हूँ बट वेयर जहां नसीब ले जाए देर कम पाजी विद दिस क्रू आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कार पाजी जाने से पहले एक बार सोच लो क्या हम पिंकी और प्रीति के बिना जी पाएंगे ओए ना पाजी ना ओए हमें पिंकी और प्रीति की चूड़ियों के चंडकार को नहीं सुनना है ओए हमें पैंथर की हुनकार को सुनना है पाजी बंद पिंजरे में कैद पैंथर ओए खूनी निगाहों से ड्रामेटिकली हमारी तरफ ताक रहा है ओए घूम गया ना दिमाग पाजी एक चीज बोलूंगा तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि द कार इज गॉन है जी पाजी मनी इज आल्सो गॉन आई नो पाजी पाजी हाँ जी ताने तो चला गया है लेकिन लक्ष्मी आ गई पाजी गया माल भूल जाते हैं जो मिला उससे दुनिया बसाते हैं Let us enjoy हुस्न के लौ में जल जाते हैं मोम के जैसे पिघल जाते हैं वो दीवाने हैं मचल जाते हैं गिरते हैं फिर संभल जाते हैं कोई हमसा ना हमसा कोई हमसा Hey!
जी आसमान फट गया, कोई बादल गरजना की हो रहा है, किधर छज्जे से कोई आवाज आई। क्या बात है बेटे, क्या हुआ? आज मैं फैसला करके रहूंगा माँ। फैसला? कैसा फैसला? तारा और सितारा की जिंदगी का। तुम दोनों क्या समझते हो हा? कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, और आज मैंने तुम्हारी चोरी भी पकड़ ली है। मैं क्या तारे? हाँ जी, लगता है सारी बैंक वाली चोरी पकड़ी गई। करेक्ट। नाचना बंद करो। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। जल्दी जल्दी। तारा, सितारा, वाह वाह क्या खूबसूरत लग रहे हो तुम। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हें नाचते गाते किसी ने देखा नहीं? हाँ जानते हो, जब भी मैं बॉर्डर पे जाता था तो मुझे हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं जानता हूं कि तारा सितारा मेरे परिवार को संभाल लेंगे। यकीन नहीं आता कि घर बैठे बैठे इतने अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अरे बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तूने प्रीति और पिंकी की बात पक्की कर दी। अरे पर एक बार प्रीति के मम्मी पापा से तो पूछ लो। अरे तो उसमें फिक्र की क्या बात है, माँ को लेकर चली जाओ। ऐसे लड़के मिलेंगे का? अच्छा माँ जा। नहीं नहीं, बड़ी खुशी की बात है, राम सिंह जी ने रिश्ता भेजा है तो यकीनन खानदानी और इज्जतदार घराने का होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़के हैं कौन, हमें भी तो मिलवाओ उनसे। हाँ हाँ भाई, अभी मिलवा देते हैं। अरे तारा सितारा, शर्माओ नहीं बाबा, आओ यहाँ आओ। जी मैं क्या? नमस्ते। गोली वाले बाबा, वही कद वही काठी, दाढ़ी लगाओ तो हूबहू वैसे ही लगेंगे। बहन जी, वो दो कमीने जो मेरा बैंक लूट कर गए थे ना, उन दो की इन दो से काफी शक्लें मिलती जुलती है। ओ पाजी, और जी इनको तो सूट बूट में हम लोग कमीने थे, चोर लग रहे हैं, वो पजामा कुर्ता पहन लेते तो ये क्या बोलते। पाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त यार? पाजी हमको ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। तुझे नहीं करना, मुझे तो करना ना रिश्ता यार। अच्छा हाँ जी। अरे बेटे सुनो तो, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो उन दो कमीनों की बात कर रहा था। फिर उसमें से एक कमीना जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रहा था, वो तो मेरी बेटी को भगाने की भी बात कर रहा था। यार आप हमें बार बार गालियां क्यों दे रहे हो पाजी, कुड़ी एक्सप्लेन यार। पाजी मैंने बोला चलो चलो चलो, तो तुम बोल रहे हो रुको रुको रुको। मैं तो उन दोनों को गालियां दे रहा हूँ, उन दोनों को। अजी पर लग तो हमको रही है ना। अब तुम्हें क्यों लग रही बेटे गाली? सीधी बात है, उनकी शक्ल हमसे मिलती थी ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से चोर कौन है? दोनों चोर यार। नहीं नहीं, चोर मेरा मतलब है वो चोर कौन है जिसने मेरी बेटी का दिल चुराया है, मेरा दामाद कौन है? दैट इज मी सर। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं वो राम सिंह जी वाला। हेलो, हाउ डू यू डू। ओ जाना है, मैंने वो टाइम देख रहा था मैं कभी से। ये मेरी घड़ी है। ओ जी ये क्या कर रहे हैं? टी है, टी पर तारा। नहीं नहीं, ये टीकू का टी है। ओ जी ये तारा है, तारा। अभी आप बोलोगे ये एस भी आपका है। ये एस मेरी बीवी का है। अरे एस मतलब सितारा होता है यार। सितारा है। अजीब इत्तफाक। तारा ते सितारा ते सितारा ते तारा। अच्छा अजीब इत्तफाक है। इत्तफाक ही नहीं है जी, खरीदी है हमने, रसीद है। आओ बेटे मुंह मीठा करते हैं। लो जी कान कड़वा कर दिया, बोल रहे मुंह मीठा करो। चलो बेटे आओ, मुंह मीठा करो। सब पता है, आप खीर बहुत अच्छी बनाती हो ना। गोभी के परोठे भी बहुत अच्छे बनाते हैं ना। अरे कैसे पता चला, कैसे पता चला? पता 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 पता, कितनी बार पता पता पूछोगे, सानू सब पता है। इधर हॉल है, उधर बेडरूम है, बेडरूम में बाथरूम है, बाथरूम में कमोड है। What? और उधर तिजोरी भी है, उधर टेबल है, वहाँ पर चैन से बैठ के ना सब लोग यार। राम सिंह जी से बात करके मंगनी और शादी की तारीख तय कर लेते हैं। कर लेना जी, आपकी गाड़ी चाहिए। जी पाजी, पाजी क्या हुआ? ओ पाजी मेरा दिल कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ। ये तो
वही गड्डी है। ओए, ये मेरी बॉनेट में गोल गोल क्यों घूम रहा है? डोंट वरी, डोंट वरी, इज हैप्पी, लेट हिम बी हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी ना, लेकिन वो मिल गए, मिल गए आज मेरे पाजी। ओ जल्दी से सामान निकालो, ये अपनी बैंक खुलवाएगा। निकाल रहे हैं यार, निकाल रहे हैं। हाँ जी जल्दी निकालो। कौन? ओ पाजी। हाँ जी। ओ पाजी तेरा सामान आ गया। सितारा। निकालो जी, परमानेंट सामान आ गया। हैं? तुझे इतने सामानों में उठे सामान ला। तुम्हें क्या हुआ? अरे शर्म आ रही है मुझे, आप लोग लगे रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। इतनी रात गए तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या कर दे, इतने दिनों बाद मेरा दिल मिल गया। अपने दिल को संभालो, कुछ ही दिनों की तो बात है ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, इतने दिन इसके बगैर गुजारे हैं, आज तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। नहीं, नहीं, जी? नहीं। जी? आप प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा। वाह ये खुल गए। खुल गया है दोनों दरवाजे, इधर भी तो उधर भी। पापा कौन है वहाँ पे? कौन है, कौन है? तारा, सितारा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ जी बैग ये नीचे गिर गया था ना, हम लोग अंदर रख रहे थे। ये वही बैग है जिसमें चोर सारा चोरी का माल भर कर ले गए थे, मेरा सारा रुपया। तुम लोगों ने ढूंढ लिया? तुम लोगों ने ये बैग ढूंढा? अरे तुम लोग तो मेरे लिए देवता हो। तारा, सितारा, अरे तुम लोग मेरे हो, हम लोग आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, देवता हो तुम लोग मेरे लिए, देवता हो। मजनू थे वो चले गए, जो रांझा थे वो चले गए, जो मजनू थे वो चले गए, जो रांझा थे वो चले गए। वो इश्क है ना प्यार है, वो दिल है ना दिलदार है, तू दोस्त है ना यार है, ये तेरी मोहब्बत। ये खुशी किस
इस काम की कोई दिल तोड़ दे राह में छोड़ दे एक भरोसा करे दूजा धोखा करे आंखों में है झूठी चाहत जो देवदास पे चले गए जी मेरे को तो यकीन ही आ रहा है उसकी शक्ल कोबरा से मिल रही थी लेकिन वाकई वो कोबरा थी यार तू बड़ा बेशरम आदमी है यार तेरे को इतना ऊंचे से फेंका था तू फिर नीचे से निकल आया थले पानी सी ना ना पानी था ना छाड़ था नीचे भगवान थे जिन्होंने मुझे बचा लिया लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा भगवान इसको क्यों बचाने लगे भगवान से पूछो यार ओए सुनो ओए ओए हम लोग तेरी बात क्यों मानने लगे ओए हमने जिंदगी में सिर्फ एक ही की गल मानी है वो है साडी मां तुम्हारी मां ले बात करो उससे बात करो ला भाजी इधर ला हेलो 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 ओए मां ओए मां तू रो क्यों रही हो ओए तारे मेरे पुत्र ये खोते दे पुत्र मैनु किडनैप करके इथे ले आए तुम लोग किधर हो भाजी मां रो रही हो ओए माँ माँ तू ठीक है ना माँ मैं कुछ नहीं जानती इन लोगों ने मुझे खाने को मिली दिया कभी नहीं कहेंगे माँ हेलो आए सुनो है आई यार तेरी गन वन कुछ काम नहीं आएगी तेरी माँ बहन कर रहे अरे छोटू तू जी आज मामा जी को भी साथ ले आए वो मामा जी को रेजिमेंट देखना था ना उसके लिए लेके आए हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए जाइए मामा जी चलिए मामा जी आइए 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 ना आइए आइए मामा जी देखा छोटू का कमाल मानते हूँ कुछ अरे हम तो कहते हैं अपना रुतबा राम सिंह साहब से कम नहीं है अगर आप यहाँ अकेले आते ना तो आपको गेट से ही बाहर भगा देते अंदर नहीं आने देते चाहे आप तारा जी सितारा जी के मामा सही कहा तुमने छोटू का कमाल है कमाल है नमस्ते छोटू बहुत इज्जत करते हैं सब अपनी कोई चिंता वाली बात नहीं जब तक आप मेरे साथ हो कुछ नहीं हो सकता आप तो बस पीछे पीछे मेरे चले आओ आंख मीच के इधर उधर मुंडा नहीं नहीं तो गोली में मार देते हैं सीधा जाने आपकी सिक्योरिटी तो बड़ी शौक है क्या बात है यहाँ पर एक खतरनाक मुजरिम कैद है पैंथर क्या आपने कहा पैंथर अरे ये तो वही खतरनाक मुजरिम है जिसके भाई को मेरे भांजो ने मारा है अरे मेजर साहब उसने तो धमकी दी है कि वो जेल से बाहर निकलेगा और मेरे भांजे को मार डालेगा प्लीज फिकर मत करो मामा जी फिकर मत करो वो यहाँ से कभी भाग ही नहीं सकता लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी तो मजबूत है ही हाँ? मगर वो जिस सेल में बंद है हाँ? उसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहती है मेरे घर में मेरी अलमारी में सो डोंट वरी
पड़े गए ना मामा जी। क्या मतलब? हम सब जानते हैं कि आप इस वक्त दबे पांव किस इरादे से जा रहे हैं। किस इरादे से? चोरी के। चोरी के? हाँ, घबरा गए ना, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहाँ जा रहा हूँ? किचन में। आपको भूख लगी है ना? किचन में? हाँ, आपको भूख लगी है ना? भूख लगी है। हम अभी खाना बना के लाते हैं। लोग सो रहे हैं, हम खाना बना के लाए आपके लिए। भूख मर गई। मर गई। तू जा, तू जा, तू जा। मॉम, डैड, मॉम, डैड। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी पापा सो रहे हैं, उन्हें सोने दो ना। मुझे कल जल्दी स्कूल जाना है, और अगर उनसे फीस लेकर नहीं आना तो मेरी टीचर मुझे मार डालेगी। अरे तो मम्मी की परस से निकाल लो ना, लेकिन उन्हें सोने दो। तुम भी भैया। मम्मी पता नहीं पर्स किधर रख देती है। मम्मी भी ना कबर्ड खुला ही छोड़ देती है। मैंने बोला ना वहाँ पर नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप खुद चेक कर लो। पक्का? हाँ। अगर पर्स मिला ना तो देखना। अरे ये देखो, यहीं रखा है भाभी ने पर्स। फोटू, ये क्या है? मुझे तो नहीं दिखा। तुझे खाने के सिवा कुछ चीज नजर भी आती है? रसगुल्ले पड़े होते हैं तो बंद अलमारी में भी दिख जाते। यार वो कोबरा गायब हो गया है। और बाथरूम में कहीं हुआ है बेटा? उठे नहीं है यार। और बाथरूम में कहीं मोरी के पास छुप के बैठा होगा, काला कोबरा होता है ना। ओए उठ तो सही यार। अरे क्या यार पाजी सितारे, यार सुने दो यार, क्या मखौल है? ओए यार मुझे डर लग रहा है यार। डर किस बात का? डर इस बात का कहीं कोबरा पैंथर को छुड़ाने तो नहीं चला गया। अरे पैंथर को छुड़ा जाएगा पाजी तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि तो सिक्योरिटी की गोली से मारा जाएगा ना साला। चूहा? चूहा नहीं पाजी, मैं चू बोल रहा हूँ। ओए चूहा, चूहा पाजी, चूहा। अरे नहीं भांजो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता कौन बताएगा? ओ यार एक चीज समझा, तू आधी रात को कहाँ गायब हो गया सी? ये चाबी बनवाने। पाजी ये चाबी सुनी सुनी सी नहीं लगती? ओए सुनी सुनी नहीं यार, दिखी दिखी लगती है। मेरे को लगता है कि पाजी हमने बहुत सारे ताले तोड़े हैं ना, उनमें से किसी एक ताले की चाबी है। ये मेरे भाई पैंथर की आजादी की चाबी है। इतनी चाबी हमारे मुंह पे क्यों दे मारी? ओए एक्सप्लेन कर यार, चाबी मुंह पे क्यों फेंकता है? पाजी मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि चाबी इसलिए फेंकी गई है। और क्यों फेंकी है यार? क्योंकि इस चाबी से तुम दोनों आज रात मेरे भाई पैंथर को छुड़ाओगे। हम दोनों भाई आपके भाई पैंथर को क्यों छुड़ाने लग गए? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल सुबह सूरज तो उगेगा, लेकिन तुम्हारी बेचारी माँ उस सूरज को देख नहीं पाएगी। ओए तू बहुत बड़ा चूही। चूहा पाजी, चूहा चूहा, कोई बात नहीं, हम अपनी माँ के लिए काम करेंगे। मिलाओ हाथ इसी बात।
अरे की करे पाजी, लाइट नीचे करो। वो तारा जी आप? और नहीं तो क्या, तुम उधर भी, तुम इधर भी, तुम पीछे साहब सो रहे हैं, फाटा खोलो। ओ सॉरी सर, कोई बैरियर खोल जैसी फटाफट। सिंह जी की गाड़ी? सर अभी आए। इस वक्त? उठाऊं इसको कमीने? प्यार से उठाना। उठाता हूं, उठाऊं पाजी प्लीज। और मैं क्या गुल्लू गुल्लू? ओए गुल्लू गुल्लू पाजी, पाजी ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा, इसकी डेथ तो नहीं होगी? ओए शुभ शुभ बोल यार, मैं ट्राई करता हूं प्लीज। मैं क्या पैंथर पाजी, तुसी किथे मार तो नहीं गए? मरोगे तो तुम लोग, पैंथर के हाथों आप नहीं बच सकते। तारा और सितारा, हम मजबूर हैं। मैं क्या पाजी? हाँ जी। एक ट्रक वाले का पता चल गया है। अच्छा। एक घंटे में निकलना है। बट पाजी, असी निकलेंगे किथे? पाजी, कहाँ वो ट्रक ले जाए? You know we don't have any ठिकाना। I know पाजी, but पाजी अपने हाथ से ना बहुत बहुत बड़ा अपराध हो गया यार। ले, इनको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? इस अपराध छपराध का कारण मैं हूँ। मेरे को बचाने के लिए तुम दोनों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। वेफर लाओ यार। इतना तो मेरी सगी औलाद भी प्यार नहीं करती। सगी सगी की कर रही है? सगी? हाँ? ऐसा बोल के हमारा दिल दुखा रही है तू? हाँ सगी। हाँ? ओ पाजी, हमने इनको कभी सगी से अलग समझा है? हाँ पाजी सगी। ओ माँ मेरी गाल सुन। सगी। इस जन्म तो क्या है? 10 जन्म तक हम तेरे लिए सैक्रिफाइस करेंगे, टॉकिंग। और नहीं तो क्या? नॉनसेंस गल कर। क्या ये क्या बात है? सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर हमने सुना आपको सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने कहा ना, आई कांट आंसर एनी क्वेश्चंस। इतने बड़े दो वांटेड चोर इतने दिन तक आपके घर में रहे और आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि उनका मिशन पैंथर को छुड़ाना था? आप इतने बड़े ऑफिसर हो, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालते हो, फिर आप धोखा कैसे खा गए सर? मैं एक ऑफिसर के साथ साथ एक हिंदुस्तानी भी हूँ, और हम हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी है, बड़ी कमजोरी, कि वो जज्बाती होते हैं। कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसे अपने हिस्से का खाना देते हैं, बिना यह जाने कि उसे भूख है या नहीं। कोई बेसहारा सहारा लेने आता है तो हम उसे मजबूर समझकर अपने घर में सहारा देते हैं, बिना यह जाने कि उसके दिल में क्या है। बहन भी हो गई थी जो तारक अपनी मांग में सजाना चाहती थी। मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी वही एक दिन मेरे भैया की जिंदगी उजाड़ के चला जाएगा। मजबूर तारा और सितारा ने अपनी मां को बचाने के लिए पैंथर को आजाद तो करवा दिया, मगर सजा बेचारे राम सिंह को भुगतनी पड़ी। सच कहा है किसी ने, करे कोई भरे कोई।
कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? कल तक आप हमारी हिम्मत थे, आज हम सब आपकी हिम्मत है, हम सब आपके साथ हैं। डैड, जब भी मुझे पढ़ाई में कम मार्क्स आते थे या फिर मैं खेल कूद में पीछे रह जाता था, तब आप मुझे हमेशा कहते थे कि एक फौजी के बेटे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मगर आज अगर एक हिम्मत देने वाला हिम्मत हार जाएगा तो हमारा क्या होगा डैड? वीरे, तेरा बाप कभी हिम्मत हारा नहीं ना हारेगा। मेरी नजरों से आज तक कोई दुश्मन बचा नहीं। अफसोस इस बात का है कि वो तो दुश्मन हमारे घर में रहकर मेरी नजरों से बच गए। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं, कसूरवार हूं मैं साहब। नहीं छोटो, उन दोनों ने यहाँ आने से पहले हमको अपने जाल में फंसाकर इस घर की सारी जानकारी ले ली। इस गुनाह की यही सजा है साहब, हमको गोली मार दीजिए। नहीं छोटो, हमको मार दीजिए। छोटो, मैं उन दोनों को मारूंगा जिन्होंने हम सबको धोखा दिया है। और के लिए गोली इतनी लगी? मैं भी ठीक हूं। तो फिर किसको लगी? तेरे पाजी। हाँ जी पाजी। असि इन्हू साडा सिचुएशन एक्सप्लेन करने आए सी। हाँ जी। ए तो बोलने से पहले साडे होते यार। चल अब कुड़ी एक्सप्लेन। ओ पाजी, पाजी मेनू लगता है कि हमारी जिंदगी में जब बार बार ये ऊंच नीच होता है ना पाजी, मेनू लगता है पाजी। राम सिंह जी, ओए ओए, गोली चलाने से पहले साड़ी बोली तो सुन लिया? कुछ नहीं सुनना। बिलाट को लगा रहे तो गोली चला दूं मैं। माता जी इधर जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शराफत से आ जाओ। रिक्वेस्ट जी, रिक्वेस्ट। पाजी तुझसे पीछे चले आओ। हाँ अरे हाँ पाजी, यू आर हर्टिंग मी यार। व्हाई? तुम मेनू किडनैप कर रहा है यार। पाजी राम जी सुन, मैं कभी आपको कोई लगा रहे तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा ऑलरेडी नो। डैड, दादी को बचाओ। सब्र कर बेटा। ओए मोटे, तेरी दादी नो तेरा प्यो भी नहीं बचा सकता। और प्यो दा मतलब समझता है? फादर। डैड को कुछ मत बोलना। सबर रख। साहब जी, कसम भगवान की मर जाऊंगा, लेकिन आप पर आज नहीं आने दूंगा। चुप कर। आज नहीं आने देगा? ओए तेरी एक माँ, दो परात, तीन बहने हैं, उनकी शादी किए बगैर मर जाना चाहता है? माँ की शादी नहीं की शादी? अबे साले, बहने कुंवारी रह जाएंगी साले, और मैं देखता हूँ कि माँ की शादी कैसे नहीं करेगा तू। कोई चलाकी नहीं चलेगी, और होशियारी भी। ओए माताजी नहीं, मैं कोई चलाकी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मेरी माँ को छोड़ दो। देखा, निकल गई ना जान। ओए पाजी, ये माँ हस्ती ऐसी होती है, जिस तरह तुसी माँ के लिए मजबूर हो गए सी, उसी तरह हम दोनों मजबूर हो गए सी। हाँ जी, और वो कोबरा है ना, उसने हमारी माँ को किडनैप कर लिया और बुला के जाके पैंथर को छुड़ा के लेके आओ। और अगर हम पैंथर को नहीं छुड़ाते तो कमीना, आराम को गधे दा पुत्र, लुदा पट्टा, बंदर की औलाद। पाजी आगे बोलो यार। वो साड़ी माँ नु मार देता यार। और तुसी बताओ, वो जिस माँ ने हमको जिंदगी दी और हम उसको मौत देते ना तारे। ओए होल्ड यार, प्लीज होल्ड। ओए यार, बंदूक फड़ा यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओए यार, एक मिनट यार। अच्छा राम सिंह जी, नाटक ना, हमने आपको एहसास दिलाने के लिए कितना सी कितना सी, अगर फिर भी आपको हम पे भरोसा नहीं है तो हेलो बंदूक मार दो गोली। पाजी की कर रहे हो? पाजी की कर रहे हो? ओए इन बंदूक की फड़ानी है तो माँ के हाथ में फड़ाओ, क्योंकि इसके सीने में तो फिर भी माँ का दिल है और राम सिंह तो फिर भी पुत्र है। राम सिंह जी, सानू माफ कर दो। और जी, बुरे हालात में हमसे बुरा काम करवाया गया है, पर हम दोनों बुरे इंसान नहीं है। राम सिंह जी, हमने कभी नहीं चाह कि हमारी वजह से किसी का कार बर्बाद होए। हाँ। हमें एक एक मौका और दे दो। पैंथर को हमने छुड़ाया सी, उसे पकड़ के हम ही लाएंगे। तो भाई इतनी सी बात नहीं है। अच्छा? हाँ, और भी बताता हूँ मैं। राम सिंह जी, हमारे वजह से आपकी जो इज्जत गई है ना, और आपके कार की जो खुशियां लुटी है ना, वो भी हम दो पराए लौटाएंगे आपको। ओ, इतनी सी बात नहीं है। राम सिंह जी, हम दोनों को एक एक मौका और दे दो। बस इतनी सी बात है। मुझे तुम दोनों की बातों में सच्चाई नजर आती है। जाओ, तुम्हें मौका दिया। Thank you.
उस दिन मैंने आपका इंटरव्यू देखा थी, आप उसमें बोल रही थी कि आप अंधी हो गई थी। अरे अगर आप अंधी होती तो मुझे सब खूबसूरत रोली पोली थे फाइव स्टार तारा आपको कहाँ नजर आता। और मेरी तो गुजारिश है कि आप इस तारे को अपनी मांग का तारा बना के सजा दो। तारे? नहीं नहीं तारे। हाँ जी। शर्मान दा मतलब रजामंदी है यार, मुबारक हो। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू। पिंकी जी, आप प्रीति जी को फोन करके दसना कि उनका सितारा सुधर गया है। और एक लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल खुद को भी करना कि तोड़ा तारा भी सुधर गया। एक मिनट यार, ओए मैंने तुझे मोटा कहा। तो भाई वो मोटा ही है, उसको ज्यादा खुश करने की कोई लोड़ नहीं। आ जाओ पाजी। है जी। अंदर ऐसी वड्डी 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 थे, उससे भी ज्यादा वड्डी थे, फ्री एक्सरसाइज की गल्ला करके आए हैं। पर हुण पैंथर को कौन से जंगल में ढूंढे। मैं क्या पाजी? पाजी अंदर तो तुसी भी शेरे पंजाब हो गए सी। हाँ जी हो तो गया। घर दी खुशियां। हाँ जी हाँ। घर दी इज्जत वापस ला रहे सी। हाँ जी पाजी, मैं की करूं, पंजाब का ब्लड है ते रह रह के खोलता है। तो हुण की करिए यार पाजी। हाँ जी। वो रास्ता सानू माँ ने दिखाया था तो ये भी रास्ता सानू माँ ही दिखाएगी। मैं क्या दोनों अपना वादा पूरा करो। जाओ माँ, तू एक काम कर, तू राम सिंह को यहाँ का पता बता, तब तक हम लोग दुश्मनों को समाप्त कर देते। पाजी माँ ने ड्राइविंग सीख ली। यार माँ हंसती ऐसी होती है। राम सिंह पैंथर, पैंथर तेरा देश छोड़ के जा रहा था तो सोचा तुझे आखिरी बाय कर दूं। वर्दी में बहुत अकड़ता था तू राम सिंह, अब पूरी जिंदगी शर्म से सर झुका के जिएगा। ए कमाल के लॉकअप में तूने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे, यह पैंथर का आखिरी जवाब। गुड बाय। सब जगह लैंडमाइंस फिट कर दिए। जी। हाई रोड में बॉम्ब लगा दिया। यस सर। गुड। हमारे यहां से निकलने के बाद हमारा कोई निशान नहीं बचना चाहिए। हां जी पाजी। हां जी। मैं क्या सामान तो लोड हो गया, लेट्स गो। ओ स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। ए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पीछा करो। पाजी। हां जी पाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। व्हाई पाजी? विदाउट डूइंग एनी खून खराबा एनी काइंड ऑफ वॉर, राइट राइट, वी हैव डन समथिंग ग्रेट फॉर द कंट्री। वेरी गुड पाजी, आज मुझे खुशी से आंसू आ रहे पाजी। अरे गाड़ी को ओवरटेक करो। रोको पाजी, सामने दो सड़कें आ रही हैं, राइट से लेफ्ट कितने बड़ा। पाजी जिंदगी में पहली बार हमने कोई राइट चीज की। हाँ जी हाँ जी, राइट टर्न मार लो पाजी। पाजी ये पीछे गिरेगा देखना कैसे, राइट में टर्न मारता हूँ मैं, गिरे टंगा ऊपर हो गई। पाजी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। व्हाई पाजी? वो गर्ल ऐसी है ना कि राम सिंह जी तो खुश होकर शादी करवा देंगे और उसके बाद भाभी जी दे पिंकी दे बच्चे इधर इधर। पाजी दो अली बाबा पाजी। हाँ जी। आगे फिर दो सड़कें आ रही है, कितने बड़ा, राइट के लेफ्ट। पाजी व्हेन द फ्यूचर इज ब्राइट। हाँ जी पाजी, आई थिंक यू मेक अनदर राइट। हाँ पाजी, इट्स अ वेरी गुड सेइंग, वॉक स्ट्रेट टर्न राइट। पाजी मुझे ना एक और भी एक्साइटमेंट है पाजी। ओए कोई एक्साइटमेंट ना कर यार, तू गड्डी चला यार प्लीज यार। पाजी एक बार सुन लो ना प्लीज। नहीं यार तू गड्डी चला यार प्लीज। अच्छा पाजी, पाजी व्हेन एवरीथिंग इज राइट। हाँ जी पाजी, मेक अनदर राइट यार। ओके पाजी, एक और राइट और राइट और राइट। पाजी मैं क्या पाजी, कहीं हम वहीं तो नहीं आगे पाजी? पाजी मैं क्या राइट राइट बोल के आप रॉन्ग ले आए पाजी? जब लाइफ में हो टाइम राइट तो आदमी राइट जगह आता है। टाइम तुम्हारा नहीं, हमारा राइट है। पकड़ लो इन जोकरों को।
अजीब दास्तां ओए जहां शुरू वही खत्म। तुसी ना गाओ, when future is bright, take another right. ओए राइट राइट बोल के किधर राइट में घुसा दिया यार। ओए गल सुन यार, गड्ढी तो तू चला रही थी यार। टर्न करने के लिए कौन बोल रहा थी? न वो समझ सके ना ये मंजिल। बंद करो ये बकवास। और बकवास नहीं है, कोई बंद करने की भी बात नहीं है। ये बंदा ना, ये बंदा हमेशा गड़बड़ करके ना मेरे को अटकाता रहा। अच्छा, मैं गड़बड़ कर रहा है? हाँ। पैंथर पाजी, तुसी कोबरा पाजी ने पूछो इतनी टंगा च गोली किन्ने मारी सी। ले इस दे ओए मिंटे ओए बोलने की जरूरत थी? हाँ जी। हा? अटका दिया ना फिर से। अच्छा ठीक है, गोली मैंने मारी सी, और बंदूक किसने फड़ाई थी? इसने यार। यार, बोले की जरूरत सी? ठीक है ऐसे आंख निकाल के आगे बढ़ो, मैं भूल गया यार क्या बोलने की क्या जरूरत थी। याद आया, अच्छा ठीक है, धक्का मैंने मारा थी, इनसे पूछो कि फाइनल लात किसने मारी थी। छोटे किसने मारी थी? लात किसने मारी थी? लात किसने मारी थी? लात दोनों ने मारी थी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोटे इनको। पकड़ो इनको। पाजी बम 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 बम। मारो 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 मारो। ए पाजी। हाँ जी। ए बम फेंका भी मारा भी, ए हवा में किधर चला गया? फटा क्यों नहीं पाजी? पाजी। हाँ जी। ए कॉलर में तो नहीं घुस गया? ए पाजी। नहीं पाजी। ओ मैं फट दूँगा। ओ चेक कर यार। ओ कहीं तेरे। ओ फट तो मरी। आले 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 आले। ओ चेक। ओ उधर पाजी मिल गया। मिल गया पाजी, आ जा फुटबॉल खेलते, बहुत दिनों के फुटबॉल नहीं खेले पाजी। पाजी लेट्स प्ले। कमॉन पाजी कमॉन। यस यस पाजी, किक मारो पाजी। पाजी मैं डेविड बेकम। नहीं पाजी, डेविड बेकम से मैं बनाना। नहीं पाजी, मैं बेकम। मैं पाजी। क्या कर रहे वो लोग? बॉम्ब से खेल रहे। डोंट प्ले अलोन। अच्छा पाजी ठीक है, तुझे डेविड बेकम से ले। मैं जो है ना, मैं रोनाल्डो। रोनाल्डो ये लग पाजी। रोनाल्डो मैं। पाजी आप ही रोनाल्डो, आप ही डेविड बेकम हो या चिली है? पाजी पाजी साले मिलके मारेंगे इनको। मारो 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 मारो। तारक सितारा ने आहो आहो दुश्मन नु मारा रे आओ। ढूंढो इनको, ढूंढो। यही कहीं छुपे होंगे। अरे यही कहीं होंगे। ढूंढो, दूर आ जाएंगे। जी ये टैंक के अंदर घुस के हम लोग ने टैंक बंद तो कर दिया, लेकिन आपको टैंक चलाना आता है? टैंक बकवास करता है यार, मैंने साइकिल चलानी नहीं आती, तू टैंक की गल करता है। अब भाई नाराज क्यों हो रहे हो यार? मैं एक्साइटमेंट में बकवास कर रहा हूं। मैंने बचपन में एक बार हाथ गाड़ी चलाई थी, लेट मी ट्राई अगेन। टैंक में है, टैंक में है। निकालो वहां इनको। पाजी 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 ओ पाजी ये नंबर। ओ पाजी कभी मटका खेला? बहुत खेला यार। ओ पाजी लक्की नंबर लगाओ, तुझे मटकेगा। एक मिनट। पाजी पाजी कुछ हो गया, और हम लोग अंदर बैठे हैं, तुझे मेरे बाहर से कॉल कर रहे हैं। पाजी अब अपना नंबर लगाओ, एक और एक ज्यादा। हाँ एक मिनट।
पाजी, आपको याद होगा कि माँ ने सिखाया है कि जब कोई चीज काम ना आए ना तो प्रार्थना काम आती है। You're right. Come on, let us pray. लो पाजी, ऊपर वाले ने हमारी सुन भी ली। पाजी, I think हमने इसे फुटबॉल खेला था ना? Let's play catch. Come on, पाजी। पाजी आपको याद होगा कि जब हमने इसको किक मारी थी तो ये पाजी ये फट भी गया था। Really? हाँ। ये वही है? तू भर यार। आप पकड़ो। ओ फेंक दे। ओ फेंक दे उठे। उठे उठे। उठे फेंक दे। Okay. भाई यार क्या किया? ओ पाजी। हाँ जी। ओ पाजी। वो बाहर कुछ और आवाज निकाले? किस तरह? वो ऐसे कि टैंक का बटन दबाओ साला, कुछ तो फटेगा ही जरूर। फटेगा जरूर। अरे ओ पाजी, बाहर फिर कुछ बटा। पाजी पाजी, अरे कासम कासम, मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ। कासम कासम, पाजी, ओ यार पाजी, आप तो बोल रहे थे कि आपको साइकिल चलाने नहीं आती, ये टैंक किस तरह चला रहे हो? मैं क्या पाजी? हाँ जी, साइकिल नु बैलेंस करना पड़ता है, ये अपने आप बैलेंस हो जाती है। ओ पाजी, आई कुडंट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं क्या पाजी? आई डोंट नो। ओ पाजी, आई नो यू डोंट नो, बट स्टिल एक्सप्लेन। दिखाएंगे चल रे, देखेगा सारा जहां, हम तो हैं सबसे निराले, हम सारा जुबा कहां। कोई हम था न आया न आएगा अब तो दोबारा, मेरे यारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक। तुझको पता ही नहीं है, नजदीक है तेरे दिन, अनहोनी है होने वाली, दिन उंगलियों पे तू गिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। पाजी, ये सब किधर गए? पाजी, ये किसने किया? राम सिंह जी तो नहीं आ गए? आई डोंट नो। पाजी, हाँ जी, पाजी पाजी, कोबरा ये ले। पाजी तुसे लो। ओए मेरा निशाना खराब है, तू मार। ले, मेरा तो है ही नहीं। तो दोनों मारते हैं। ठीक है पाजी। पाजी, गोली फिर पाँव पे लगी। ओह माय गॉड, फिर मेरे पैर पे गोली मार दी। भाई मार गधे, कब तक गोद में लेके घूमूंगा तुझे? भाई पैंथर, पैंथर को कोई बांध के नहीं रख सकता, पैंथर। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। पाजी पैंथर भाग रहा है, इसका की करे? Let him go, he is very happy. पाजी, I don't think he's going to be happy like this because Ram Singh is going to break his bones. सिंह उस दिन की तरह आज शर्त नहीं लगाएगा, 15 फटके वाली। आज सिर्फ एक फटका, एक पैंथर को। We'll be right back.
मैं क्या तारा पाजी? बोल सितारे पाजी। तारे ते सितारे दा मतबल की है? एक्सप्लेन यार। पाजी तुम्हें पता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। स्टिल आई विल ट्राई। पाजी मैनू लगता है कि तारे और सितारे दा मतलब है कि जो खुद तो रात के अंधेरे में रहते हैं लेकिन सारी दुनिया को अपनी रोशनी से चमका देते हैं। ओए बल्ले बल्ले यारे, पहली बार तू बिना अटके तूने एक्सप्लेन किया यारे। पाजी पहली बार ही बिना भटके हमने कोई अच्छा काम ही तो किया है। लेकिन पाजी एक बात है ना, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही है। की है यार? यार ये राम सिंह की फैमिली ने झूठे मुंह हम लोगों को रोका भी नहीं पाजी। बिना बताए जा रहे हो? तो बताते तो क्या, रोक लेते? नहीं, गाड़ी से स्टेशन तक छुड़वा देते। गड्डी जी कोई लोड नहीं, वी गॉट लेग्स एंड वी कैन वॉक आल्सो। लिफ्ट दे रहे हैं बड़े। मैंने तुम दोनों के लिए घोड़ियों का बंदोबस्त किया। ओए होल्ड यार, ओए क्लीन बोल्ड यार। उसमें किलों में जल जाते हैं, मोम के जैसे पिघल जाते हैं, हम चल जाते हैं, गिरते हैं फिर संभल जाते हैं। कोई हमसा ना हमसा, कोई हमसा तारा और सितारा को ये पहली बार एहसास हुआ कि पारस को छूकर पत्थर भी सोना बन सकता है। एक और एक की शक्ति जब इंसानियत और देश के काम आई तो उन्हें घर मिल गए, बीवियां मिल गईं और एक अच्छी जिंदगी मिल गई। पर अंदर की हरकत, बंदर की घुलाट और पुरानी आदतें बदली या नहीं, इसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं दे सके। जागने वाले सोते नहीं, अपनी हस्ती खोते नहीं। जहाँ दुश्मन मिला दुश्मन, जहाँ दुश्मन मिला तो दे मारा। मेरे यारा एक और एक यारा, मेरे यारा एक और एक, एक और एक, एक और एक, एक और एक यारा। मेरे यारा वक्त की राह में बहते नहीं, वैसे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चुप भी रहते नहीं, कोई सितम कभी सहते नहीं।